हेलो बच्चों, सीएमसी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अब नीट का एग्जाम सिर पे आ चुका है और टाइम बहुत कम है। अक्सर ऐसे टाइम में बच्चे थोड़े नर्वस हो जाते हैं, मोस्टली आप सबके साथ भी ऐसा होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले तक ऐसा लगता है कि जितना पढ़ा सब भूल गए, पूरा ब्लैंक हो गया। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए सीएलसी आपके लिए लेकर के आया है दंगल टेस्ट सीरीज। ये पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा और डेफिनेटली आप नीट के एग्जाम में भी अच्छा करोगे। तो बच्चों, इसी शुभकामना के साथ हम लोग आज का ये पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसमें क्या लिखा है। वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। वैल्यूज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी। यहां पर जो ए लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि सारे कॉम्पोनेंट्स इक्वल हैं। तो हम लोग वेक्टर ए को ऐसा लिख देते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सबके सब इक्वल हैं तो सबको हम लोग स्मॉल ए मान लेते हैं। ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, वो मैग्नीट्यूड ए के टर्म में लिखा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि रूट थ्री ए। अब हर एक कॉम्पोनेंट जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट है, ये स्मॉल ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्मॉल ए को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल ए बाई रूट थ्री। इसका मतलब जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल सा सवाल है बच्चों। इसमें लिखा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी शोन इन द फिगर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। अब जो भी आंसर्स हैं वो आर के टर्म में है, तो ध्यान से समझना बच्चों। ये एक वेक्टर हम लोग मान ले वेक्टर ओ ए और ये वेक्टर ओ सी। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड आर है तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कहीं होगा, और अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आर रूट टू। ये वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ सी का रिजल्टेंट है। इसके अलावा एक और वेक्टर है ओ बी जो इसी डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू आर है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो r प्लस आर रूट टू आ जाएगा, या आप ऐसे लिख दो r रूट टू प्लस r। इसमें से जब आप r कॉमन लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, r इंटू वन प्लस रूट टू। देखो कोई आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा लिखा है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। देखो इसमें क्या लिखा है, यूनिट ऑफ स्टीफन्स कॉन्स्टेंट सिग्मा। तो फॉर्मूला पहले लिख लें, U इज इक्वल्स टू सिग्मा, ई तो एमिसिविटी है, डायमेंशनलेस है, उसको नहीं लिखते, ए टी टू दी पावर 4। अब ये रेडिएशन अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट सेकेंड है, कितनी रेडिएशन कितनी एनर्जी एमिट हो रही है एक सेकेंड में, यानी इसके लिए जो ऐसा यूनिट होगा वो वॉट हो जाएगा। सिग्मा का ऐसा यूनिट हम लोगों को फाइंड करना है, सिग्मा का यूनिट ए एरिया है, यानी यहां पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं और यहां पर केल्विन, पावर 4 हो जाएगा। तो सिग्मा के यूनिट के लिए ये टर्म नीचे और ये टर्म भी नीचे आ जाएगा, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। तो देखो ऐसा ऑप्शन किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, यानी इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। देखो बच्चों अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है इन द रिलेशन y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k इज। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये इसका एंगल है या फेज है, ये डायमेंशन लेस होगा, ओमेगा t भी डायमेंशन लेस और के एक्स भी डायमेंशन लेस। यहां पर x क्या है, लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है, तो इसका डायमेंशन l हो गया। k का डायमेंशन अगर l माइनस 1 होगा तभी तो दोनों डायमेंशन लेस हो पाएंगे, यानी हम लोगों को k का डायमेंशन लिखना है l माइनस 1
और L माइनस वन ये थर्ड आंसर में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव में देखो क्या लिखा है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ए इज इक्वल्स टू एल्फा टी प्लस बीटा। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, देखो यहां से हम लोग एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, और ये एल्फा टी प्लस बीटा के इक्वल है। तो डी वी को एल्फा टी प्लस बीटा डी टी ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो जब टाइम जीरो है, टी टाइम पर जो वेलोसिटी है उसको हम लोग वी से डिनोट कर दें, यहां पे इंटीग्रेशन वी आ जाएगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी आएगा, अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे जीरो टी। यहां पर भी अगर आप अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो रिजल्ट यही आएगा, जीरो पुट करने पर जीरो यानी वी आएगा, यहां पर भी लोअर लिमिट पुट करने पर जीरो आएगा यानी अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी। तो फाइनल रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी। ये सेकेंड ऑप्शन में यही लिखा है ना, अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी, यानी सेकेंड आंसर इसका करेक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखो इसमें क्या लिखा है, अ बॉल ऑफ मास 0.5 केजी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड। इफ द हैंड मूव्स 0.5 मीटर व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स एंड द बॉल गोज अप टू 2 मीटर हायर फर्दर, यानी 0.2 मीटर के बाद 2 मीटर और हाइट तक बॉल गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कंसीडर g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना, पहले मान ले कि यहां से यहां तक जो 0.2 मीटर का डिस्टेंस है यहां तक फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान ले, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये वर्क डन होगा अप्लाइड फोर्स का, और फिर इसके बाद ये और 2 मीटर के हाइट तक जा रहा है, इस हाइट को h से डिनोट कर दें। अब अगर आप वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखोगे, चलो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स फाइंड करना है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है 0.2 जब तक फोर्स लग रहा था, तो वर्क डन ये हो जाएगा पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन की अगर हम लोग बात करें, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, नेट वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा एस प्लस एच। वैल्यूज को पुट कर दो, मास क्या गिवन है, मास 0.2 किलोग्राम, यहां पे पुट कर देंगे जी की वैल्यू 10 है, एस 0.2 और ये 2.2 आ जाएगा एड करके, आ गया। अब हम लोग अगर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें तो नेट वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। यहां पर पहले रेस्ट में था, मैक्सिमम हाइट पर भी रेस्ट में आएगा, ड्यूरिंग द मोशन इसकी वेलोसिटी है, लेकिन इनिशियली और फाइनली जब हाईएस्ट पॉइंट पर आया वहां वेलोसिटी जीरो, तो यहां भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहां भी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी वर्क डन बाय फोर्स को आप माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हो। वैल्यूज को पुट करते हैं, वर्क डन बाय फोर्स है एफ इंटू 0.2 और नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो अब इसको मिटा दें, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 0.2 इंटू 10 इंटू 2.2, ये 0.2 से 0.2 कैंसिल हो गया, 22 न्यूटन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, देखो सेवंथ में क्या लिखा है, द लीनियर मोमेंटम पी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशन वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। नेट फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये टर्म जीरो आएगा, दूसरा टर्म आ जाएगा 2bt, यानी आप कह सकते हो कि फोर्स ये टी के प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में एक फिगर गिवन है, लिखा है एज सोन इन द फिगर द टेंशन इन द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल कॉर्ड, टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 30 न्यूटन। द वेट W एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग OA, इसमें एक टेंशन है और ये वेट W है, उसको न्यूटन में फाइंड करना है। यहां पर आप टेंशन T मान लो, T के दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट और एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट। इस तरफ W, यहां पर 30 न्यूटन, T का कॉम्पोनेंट इधर क्या हो जाएगा, T cos 30 डिग्री, और इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, T sin 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जितने फोर्स टुवर्ड्स राइट एग्जर्ट हो रहे हैं उतना ही फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट भी लगेगा, यानी आप T/2 को किसके इक्वल लिख सकते हो, 30 के इक्वल, तो T यहां से मिल जाएगा 60 न्यूटन। ये आ गया। उसके बाद फिर हम लोग लिख सकते हैं T√3/2 = W, तो W की वैल्यू हो जाएगी 60 × √3/2, 30√3। तो एक आंसर आएगा 30√3 और दूसरा आंसर आएगा 60। जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें एक ही ऑप्शन में लिखा है 60 और 30√3, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, W की वैल्यू 30√3 और T की वैल्यू 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है बच्चों। जब तक नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट ना बदले, नॉर्मल फोर्स को चेंज करके हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को चेंज कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अनचेंज रहेगा, यानी इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है टू मासेस M1 एंड M2 वेयर M1 इज ग्रेटर देन M2 आर कनेक्टेड बाय मासलेस फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, यानी एक सिंपल सा एटवुड मशीन बना, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, ध्यान देना बच्चों। पहले तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर ये सिंपल एटवुड मशीन है, इसका मास M1, इसका मास M2, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो A की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं M1 - M2 / M1 + M2 × g। सिंपल एटवुड मशीन में ये फॉर्मूला होता है। अब ये ऊपर जा रहा है इसी एक्सेलरेशन से, ये नीचे जा रहा है, तो एक का एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले लेते हैं, एक का नेगेटिव। हमें क्या फाइंड करना, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना, ध्यान देना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास M1A1 + M2A2। एक के लिए पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड पॉजिटिव तो अपवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसमें देखो A कॉमन आ जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, M1 - M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2 × a, और a की वैल्यू क्या है, ये टर्म है, जब आप इसको यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो M1 - M2 / M1 + M2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट मैं यहां लिख देता हूं, M1 - M2 / M1 + M2 इसका स्क्वायर आ जाएगा और साथ में g आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, एंगुलर मोमेंटम हो या टॉर्क हो, ये सब एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो इनका जो डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनवर्ड आउटवर्ड ये सब कुछ नहीं होगा, अलोंग द एक्सिस।
यानी फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है टू डिस्क ऑफ सेम मटेरियल एंड थिकनेस, मटेरियल सेम है यानी डेंसिटी सेम हो गई, थिकनेस भी सेम है, रेडियस चेंज है, अलग अलग है 0.2 और 0.6, हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो। डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं। देखो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस लिख सकते हैं ना, वैल्यू पुट कर दो। ऐसा आ गया, या सॉरी, या अगर आप आई लिख रहे हो तो आई प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4 हो जाएगा, रेडियस के पावर 4 के प्रोपोर्शनल, आई वन बाय आई टू 0.2 बाय 0.6 इस पे पावर 4 लिख देंगे, तो ये 1/3 टू दी पावर 4, इसका मतलब 1/81 ये आंसर हो जाएगा, 1/81 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है, तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है 4 पॉइंट मासेस ईच ऑफ वॉल्यूम वैल्यू एम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड एल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी, ये एक स्क्वायर फ्रेम मान लेते हैं, एक मास यहां है, एक मास यहां, एक यहां पर और एक यहां, टोटल 4 मासेस हो गए। अब एबीसीडी नाम दे दें इसको, ये ए बी सी और डी, लेंथ एल लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक एक्सिस है जो ए से होकर पास हो रहा है और बी डी के पैरेलल, इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल ऐसे एक एक्सिस ड्रॉ कर देते। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये मास इस एक्सिस पर ही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, ये लेंथ एल है, देखो ये लेंथ भी एल होगा, ये लेंथ एल है, इसको ऐसे मिला दे, तो ये √2L हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका हाफ, ये जो डायगोनल है उसका हाफ डिस्टेंस ये होगा, अगर आप यहां से ये डिस्टेंस मिलाओगे तो, वैसे ही ये डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, तो √2L का हाफ क्या होता है, देखो √2L लिखा है, अगर आप इसका हाफ लिखोगे तो L बाई √2 लिख सकते, यानी ये डिस्टेंस L बाई √2 और ये डिस्टेंस भी L बाई √2 है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक के लिए तो 0 हो गया, दूसरे के लिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं m इंटू एल बाई √2 का स्क्वायर, c के लिए m इंटू √2L का स्क्वायर, और d के लिए फिर से यही टर्म आ जाएगा m l बाई √2 स्क्वायर, सिंपल आ गया। सॉल्व करते हैं, पहला टर्म है एम एल स्क्वायर बाई 2, दूसरा टर्म है 2ml स्क्वायर, और तीसरा टर्म फिर से एम एल स्क्वायर बाई 2, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो एम एल स्क्वायर आ जाएगा, उसके साथ इसको प्लस करोगे तो 3ml स्क्वायर आएगा, यानी आंसर क्या होगा 3ml स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लिखा है द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर इज इक्वल्स टू, यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पहला लिखा है स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ 4 times, कोई जरूरी नहीं है 4 times, फिर सेकंड में लिखा है स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, यही करेक्ट है, स्ट्रेन के इक्वल तो होता नहीं है, स्ट्रेन
डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, फिर यह लिखा हाफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस, ये सब कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है द ओनली इलास्टिक मॉडुलस दैट अप्लाइज टू फ्लूड, फ्लूड का मतलब जिसमें फ्लो हो सके, लिक्विड है या गैस है, तो वहां पर हम लोग सिर्फ बल्क मॉडुलस यूज करते हैं, ठीक है, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या सियर मॉडुलस वहां एप्लीकेबल नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है अ यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कंप्रेशन इफ ईच साइड इज डिक्रीज्ड बाय 1% द बल्क स्ट्रेन इज, अगर वॉल्यूम को आप लिख दो, देखो वॉल्यूम को हम लोग एल क्यूब लिख सकते हैं, यानी डेल्टा वी बाय वी को 3 times ऑफ डेल्टा एल बाय एल लिखा जा सकता है। अब लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, 1% का, 1% यानी 1/100, तो 0.03 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब इसके बाद लिखा है बल्क स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन हम लोग किसको कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ही बल्क स्ट्रेन कहते हैं, यानी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 0.03, ठीक है। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहां तो सारे ऑप्शंस पॉजिटिव में लिखे हैं, मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम लोग फोर्थ आंसर इसका लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा है द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, स्फेरिकल शेप क्यों होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरफेस टेंशन, सिंपल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, देखो इसमें क्या लिखा है, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2 R, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर यानी सीपी की वैल्यू गिवन है 7/2 R, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी कि गामा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है CP/CV, देखो ध्यान देना, सीपी पता है, सीवी को आप लिख सकते हो CP-R, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 7/2 R - R, ये कितना आएगा 5/2 R। अब हम लोग को ये वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू को पुट कर देना है, सीपी की वैल्यू 7/2 R और सीवी की वैल्यू 5/2 R, ये 7/5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, देखो इसमें क्या लिखा है, टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 27 degree Celsius टू 927 degree Celsius, काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले हम लोग 1 मान ले और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी 2 नाम दे देते हैं, ये T2/T1 के इक्वल हो जाएगा। T2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 927 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 प्लस कर दो, फिर यहां पर 273 प्लस 27, तो अब ये केल्विन में आ गया ना, देखो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 1200 और यहां पर 300, यानी कि ये 4 times आ गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 times, टेम्परेचर को अगर आप 4 times कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी भी 4 times हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत सिंपल, इसमें लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चाहे बर्नौलीज इक्वेशन की बात करें वो भी क्या है, एक डिफरेंट फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ प्रोसेस अप्लाइड ऑन द गैस, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन, एक तो पाथ फंक्शन होता है, दूसरा स्टेट फंक्शन, तो वर्क डन ये पाथ फंक्शन है, एब्जॉर्ब हीट पाथ फंक्शन है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, कौन सा प्रोसेस है उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और
फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, देखो इसमें क्या लिखा है, इफ द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी एच हाइट स्मॉल एच अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज सेम एट द डेप्थ एक्स बिलो इट देन बोथ, ठीक है, बोथ एक्स एंड एच बींग मच स्मॉलर, ये टर्म दे दिया, अब हम लोगों के लिए आसान हो गया कैलकुलेशन। देखो अगर हम लोग एच हाइट पे बात करें, हाइट एच है, डेप्थ एक्स है, तो एच हाइट पर जी एच से डिनोट कर देते हैं, इसकी वैल्यू होती है जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर, ठीक है। और अगर एक्स आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, जी इंटू वन माइनस एक्स बाई आर, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच अबव द सरफेस, इन दोनों के बीच जी एच और जी का जो डिफरेंस है कितना आएगा, टू जी एच बाई आर, और जी और जी एक्स का डिफरेंस ये कितना है, अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो जी एक्स बाई आर आएगा। क्वेश्चन में लिखा है ये दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब 2h और ये x, ये भी इक्वल होने चाहिए, यानी x की वैल्यू 2h के इक्वल हो जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लिखा है अ पार्टिकल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम इंफिनिटी देन इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ वुड बी, हम लोग मान लेते हैं पहले इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी पर रेस्ट में मान ले, उसकी एनर्जी जीरो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ही, पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर जीरो होती है। अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम बाई आर, नेगेटिव साइन के साथ, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, हमें क्या फाइंड करना है, ये वी, तो इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, ये जो टर्म है इसको स्मॉल जी इंटू आर लिख सकते, ठीक है, प्लस वी स्क्वेयर बाई टू। अब इसको इस तरफ ले आओ, जी आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू, यहां से v मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू जी आर, यानी ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है सैटेलाइट हैज काइनेटिक एनर्जी k, पोटेंशियल एनर्जी v एंड टोटल एनर्जी e, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बेसिकली होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होता है, तो हम लोग ऐसे एक रिलेशन लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है या पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, या फिर आप काइनेटिक एनर्जी को माइनस ई लिख सकते हो, माइनस हाफ वी लिख सकते हो, देखो के इज इक्वल्स टू माइनस हाफ वी, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है और तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, यानी इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है एट सम पॉइंट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ऑल्सो द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ इज जीरो, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल और फील्ड दोनों जीरो है, पॉइंट कहां होगा, इंफिनिटी पर ही पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों जीरो होता है, यानी एट इंफिनिटी, ठीक है। अगर किसी और पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल जीरो लिखे, फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल जीरो हो जरूरी नहीं है, या फिर आप पोटेंशियल को जीरो लिखो तो फील्ड जीरो हो, कोई जरूरी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, इसमें लिखा है एन अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट्स एज शोन, द लाइन ऑफ फोर्स लुक्स लाइक्स, कंडक्टर है ना, अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ मेटल, तो कंडक्टर पे जो भी फील्ड लाइंस आएंगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो यहां सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर सब जगह नहीं है। दूसरा ये कि अंदर में कोई फील्ड नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये तो परपेंडिकुलर नहीं आ रहा सब पे, और इधर भी फील्ड है वो दिया नहीं, एक ही आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखो
अगर आपने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें लिखा है इन फिगर प्लस क्यू चार्ज इज लोकेटेड एट वन ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है इसके कारण, ध्यान देना बच्चों। यहां पर अगर हम लोग एक और क्यूब मान ले तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन यहां भी होगा, यहां भी होगा, ऐसे ही ऊपर दो क्यूब और मान ले, तो असल में जो यहां चार्ज है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन फोर क्यूब्स में इक्वली है। तो इस क्यूब में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 1/4 होगा। और अब हम लोग अगर फ्लक्स की बात करें तो नेट चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई फोर एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, लिखा विच इज नोन एज कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट। कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट आर सी लिखते हैं, और इंडक्टिव अगर लिखना हो तो एल बाई आर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो आर सी जैसा कोई ऑप्शन नहीं लिखा, लेकिन कैपेसिटेंस अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकते हैं। और अब ऑप्शन नंबर 4 मैच कर गया, तो जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से हमें कौन सा आंसर करना है, 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, देखो इसमें लिखा है फोर कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस हैव एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, C/4, एक का C, दूसरे का C, तीसरे का, इस तरह से चारों का कैपेसिटेंस C है तो C/4 हो गया। एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C2 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में तो क्या लिखते हैं, अगर बहुत सारे हैं तो सबका एल्जेब्रिक सम 4C हो जाएगा। अब हम लोगों को फाइंड करना है C1/C2, देखो ये डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1/16। अब अगला क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ये तीन कैपेसिटर सीरीज में है और उसके साथ एक अकेला ये कैपेसिटर, देखो ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी ए, और ये पॉइंट बी है तो यहां पर भी पॉइंट बी, यानी आप कह सकते हो कि ये कैपेसिटर डायरेक्ट ए और बी के बीच कनेक्टेड है। तो इसी सर्किट को हम लोग रीड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये तीन कैपेसिटर सीरीज में और ये एक अकेला कैपेसिटर उसके साथ पैरेलल में, तो इन तीनों का कैपेसिटेंस हो जाएगा C/3, उसके साथ ये पैरेलल में है तो C+C/3 यानी 4C/3, 4C/3 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है तो इसका 4th आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, इसमें लिखा है अ गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ वोल्ट मीटर, अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो एक हाई रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे 32, इसमें लिखा है वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी। एक करंट कैरिंग लूप है उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2R, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है द सेम वायर इज नाउ बेंड इनटू डबल लूप, पहले एक लूप था अब डबल कर दिया, लेंथ तो कांस्टेंट है, उसी को आप दो लूप बनाओगे रेडियस हाफ हो जाएगा, ठीक है, डबल लूप। उसके बाद लिखा ऑफ इक्वल रेडियाई इफ बोथ लूप कैरीज द सेम करंट, करंट अभी भी आई है एंड इट इज इन द सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डबल लूप विल बी, पहले एक लूप था इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, अब दो लूप है, असल में एक ही जगह दो लूप है, सेम डायरेक्शन में करंट है तो नेट फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट करंट आई नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो टर्न हो गए 2 कर दिया डिवाइडेड बाय 2 और रेडियस अब हाफ हो जाएगा। ये 2 अगर आप ऊपर लिख दो, ये चलो
हाँ ऊपर लिख देते ना, इस टू को रहने दो, म्यू नॉट आई बाई टू आर अलग हो गया और इसके साथ फोर आएगा, यानी ये फोर बी के इक्वल है, तो फोर टाइम्स ऑफ बी थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें लिखा है टू वायर्स विथ करंट 2 एम्पियर एंड 1 एम्पियर आर इनक्लोज्ड इन अ सर्कुलर लूप, अनदर वायर विथ करंट 3 एम्पियर इज सिचुएटेड आउटसाइड द लूप एज शोन, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल अराउंड द लूप इज, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट इन साइड द लूप। अब लूप के अंदर देखो कौन कौन से करंट है, एक 2 एम्पियर इधर 1 एम्पियर इधर, तो नेट करंट आप क्या लिख सकते हो, 2 माइनस 1, यानी कि म्यू नॉट इंटू वन, म्यू नॉट ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ। 34 में लिखा है अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, हम लोग मान लें ये नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, साउथ वेस्ट, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किधर प्रोजेक्ट किया गया, इस डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, उस पर फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्थ की तरफ, बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड मे बी, अब फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए ये फाइंड करना है। ध्यान से सुनो क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं कि अगर ये नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज होता और इधर जा रहा होता, तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, अपोजिट डायरेक्शन में, सिंपल आ गया, ठीक है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू वी क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फील्ड से, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करे तो फोर्स का डायरेक्शन मिलना चाहिए, फोर्स इधर है, ये वेलोसिटी है, देखो राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है, ऐसे मान लो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगर आप फिंगर्स को इधर कर्ल करोगे तभी तो ये फोर्स नीचे की तरफ आएगा, इससे इस तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, इधर, समझ में आ रहा है। अब इसको आप हॉरिजॉन्टल देखो, ये जो नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ये, ऐसे तो ये वाला डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, आंसर कौन सा होगा, अपवर्ड, ऑप्शन नंबर 3, सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें लिखा है इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल थीटा इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल करंट आई बाय द रिलेशन टेंजेंट, या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, कोई भी गैल्वेनोमीटर देखो, इसमें डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ज्यादा करंट फ्लो होगा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू बीना साइन थीटा, साइन थीटा 90 डिग्री, तो टॉर्क ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसको सी सी टॉर्शनल कॉन्स्टेंट मान लो, और यहां पर थीटा या फाई जो टर्म लिख रहे हैं वो डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी आई स्मॉल आई लिख दो, एन ए, तो आप कह सकते हो आई और थीटा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ लॉन्ग स्ट्रेट हॉलो कंडक्टिंग ट्यूब कैरिंग अ करंट हैज टू सेक्शंस ए एंड सी, एक तो ये सेक्शन है, एक ये वाला सेक्शन है, ए और सी, ऑफ अनइक्वल क्रॉस सेक्शन ज्वाइंड बाय कॉनिकल सेक्शन बी, ये सेक्शन से दोनों को ज्वाइन किया गया है, फिर 1, 2, 3 आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, इसके पैरेलल है, हैव मैग्नीट्यूड्स B1, B2 एंड B3, तो 1, 2, 3 तीन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड दिए हुए, इनके बीच रिलेशन फाइंड करना है, ध्यान देना बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी हो, यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो करंट है वो पूरे के पूरे वायर में सेम ही होगा, ये समझ में ना, जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते हो, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, वैसा ही यहां आता है, करंट सेम है। अब अगर करंट सेम है
इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट पर जो फील्ड होगा, डिस्टेंस सबके लिए आर, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, सबके लिए यही आएगा ना, यानी तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होंगे, तो ऐसा ऑप्शन नंबर टू में लिखा है, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें लिखा है द फोर्स ऑन अ रेस्ट चार्ज कांट बी अप्लाइड बाय, अगर चार्ज रेस्ट में है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि मास है, अगर चार्ज है तो ऑब्वियसली मास भी है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही लग सकता है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। देखो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी, अगर वी जीरो हो गया, फोर्स जीरो, तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्टी एट फॉर्मूला ही है, इसमें लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ वेक्टर एरिया ए इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये भी फॉर्मूला ही है असल में, लिखा है सर्कुलर मेटल प्लेट ऑन रेडियस आर इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, देन द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन सेंटर एंड द रिम ऑफ द प्लेट इज, अभी मैं आपको बता दूं, डेराइव करके बता देता हूं, जैसे मान लो ये एक डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर प्लेट है, इसको हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, ऐसा एक सेक्शन मान ले, छोटा सा सेक्शन, तो ये जो एक छोटा सा सेक्शन आया है ये अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये भी इस पॉइंट ओ के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, हम लोग इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा सेगमेंट डी एक्स मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी ये ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा आर होता है वी की वैल्यू। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे हम लोग मान लें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, फोर्स नहीं, यहां पर हमें फाइंड करना है ईएमएफ, तो जो ईएमएफ डेवलप होता है इस छोटे से सेगमेंट में उसको हम लोग लिख देंगे बी वी इंटू एल। अब नेट ईएमएफ फाइंड करना है, इंटीग्रेट कर दो बी ओमेगा एक्स डीएक्स, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे लेंथ कहां से कहां तक है, जीरो से आर, यहां पे आर लिख लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, यानी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, ये एक सेगमेंट के अराउंड मिल गया यहां पर इसके अक्रॉस, ठीक है, मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्यू वी क्रॉस बी, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल। अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं ये एक सेगमेंट ऐसे एक ईएमएफ जनरेट हुआ, कोई दूसरा सेगमेंट है उसमें भी ऐसे ही ईएमएफ जनरेट होगा, तो ऐसे बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन आप मान सकते हो, सब पैरेलल में है, इक्वल सेल्स अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट भी ई ही होता है, यानी फाइनल आंसर यही आएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा है क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ ट्रांसफार्मर इज, या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक है, करंट और वोल्टेज चेंज होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, लिखा है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी अ कैपेसिटेंस ऑफर, कैपेसिटेंस के लिए रिएक्टेंस लिखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ωc, या आप इसको लिख सकते हो 1/2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी। अब अगर आप f की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो लिखा है अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस कम होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें लिखा है इफ रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी 3.6 फर्मीमीटर देन द रेडियस ऑफ टेल्यूरियम न्यूक्लियस विल बी, ध्यान देना, फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू दी पावर 1/3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर टू बाई आर वन इक्वल्स टू ए टू बाई ए वन टू दी पावर 1/3। फिर आर टू की वैल्यू अगर लिखना हो तो आप ए टू बाई ए वन टू दी पावर 1/3 इंटू आर वन लिख सकते हो। आर वन की वैल्यू क्या गिवन है, देखो 3.6, ए टू की वैल्यू 125 और ए वन की वैल्यू 27 पुट कर देंगे। अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो यहां 5 या 3 आ जाएगा, ये 3.6 है, 1.2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 6, 1.2 इंटू 5, तो ये थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, लिखा है ड्यूरिंग अ नेगेटिव बीटा डीके, नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है। आप सबको पता है बच्चों, नेगेटिव बीटा डीके में हम लोग ऐसे कहते हैं कि एक न्यूट्रॉन है ये एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को तो बीटा नेगेटिव डीके कहते हैं, और एक बीटा प्लस डीके होता है, यानी एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और उस दौरान न्यूक्लियस से ये ई पॉजिटिव या बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन हम लोग कह देते हैं। तो अब यहां पर क्या लिखा है, एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन तो उसके चारों ओर ऑर्बिट में राउंड कर रहा है, वो नहीं होता, ये गलत लिखा है। फिर लिखा है एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, पहले से न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम ये जनरेट हो रहा है, तो ये भी गलत है। फिर लिखा है न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डीकेस एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन यहां डीके में प्रोड्यूस हो रहा है, ये करेक्ट है। फोर्थ में लिखा है पार्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी नहीं कि इलेक्ट्रॉन आ जाए, इलेक्ट्रॉन के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो असल में क्या है कि यहां पर रेडियो एक्टिव डीके जब भी होता है बीटा प्लस डीके में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, बीटा माइनस डीके में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और यहां साथ में एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उसमें एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बनता है, ठीक है, दो अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन न्यूक्लियस में पहले से प्रेजेंट नहीं रहता। तो इसका थर्ड आंसर ठीक था। अब 44 देखो क्या लिखा है, द डिपेंडेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन द मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, थ्योरी में आप सबने पढ़ा होगा बच्चों, ग्राफ कैसा होता है कुछ इस तरह से, सबसे ज्यादा किसके लिए 56, आयरन के लिए सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहां पर जो भी टर्म है देखो सारे ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में से एक ही आंसर फर्स्ट ऐसा लिखा है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, देखो इसमें क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन एमिटर करंट बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, फॉर्मूला होता है एमिटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो अब ऐसा किसमें लिखा है, एमिटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, थर्ड आंसर इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लिखा है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द पाथ डिफरेंस शुड बी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा लिखा है, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 47, लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड, सिर्फ उसी वेव को, उसी लाइट लाइट या कोई भी दूसरा वेव हो जो ट्रांसवर्स वेव है उसी को पोलराइज किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते, इसलिए साउंड वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता।
तो अब इसमें लिखा है लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड एज दे आर ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होता नहीं है, रिफ्लेक्ट तो सब होते हैं, साउंड वेव भी, हाई फ्रीक्वेंसी हो लो फ्रीक्वेंसी हो, एक्चुअली पोलराइजेशन के लिए ट्रांसवर्स वेव होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, देखो इसमें लिखा है एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज कट इन टू टू हाफ्स अलोंग एक्स ओ एक्स, ऐसे कट कर रहे हैं इस तरह से बन गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई फर्क नहीं आया, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो सेम रह जाएगा। अब लिखा है एक वाई ओ वाई डैश के अलोंग भी कट किया गया है, फोकल लेंथ एफ एफ डैश एंड एफ डबल डैश बी द फोकल लेंथ ऑफ द कंप्लीट लेंस ईच हाफ इन केस वन एंड ईच हाफ इन केस टू, ठीक है, अगर एफ है तो इस एफ डैश की वैल्यू भी एफ होगी, लेकिन अगर हम लोग ऐसे हाफ पार्ट को कट कर देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन बाई एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, और एक ही सरफेस रह जाएगा, ठीक है, और अगर ये दोनों सरफेस है तो दोनों सरफेस के लिए हम लोग वन बाई एफ को लिखते हैं म्यू माइनस वन, यहां पर वन बाई आर और माइनस वन बाई माइनस आर, ठीक है ना, साइन के अकॉर्डिंग, तो ये असल में क्या आ जाता है म्यू माइनस वन इंटू टू बाई आर, समझ में आ रहा है। तो अब इस हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, देखो एफ डबल डैश है, अगर यहां पे टू लिखेंगे तब ये वन बाई एफ के इक्वल आएगा, यानी कि टू बाई एफ डबल डैश ये वन बाई एफ के इक्वल है या एफ डबल डैश टू एफ के इक्वल होगा, सिंपल हो गया, एफ डैश एफ के इक्वल होना चाहिए, एफ डैश एफ यहां लिखा है यहां भी लिखा है, लेकिन एफ डबल डैश दोगुना होना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर फोर में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, देखो इसमें क्या लिखा है, अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डेप्थ 8 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, 8 मीटर डेप्थ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, बॉटम इज सीन एट द डेप्थ, ठीक है, एपरेंट हाइट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं एच बाई म्यू, एच की वैल्यू क्या गिवन है 8 और म्यू की वैल्यू है 4/3, तो ये 6 मीटर आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन, ठीक है ना, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लेकर के ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इसमें लिखा है ऑन अ ग्लास प्लेट अ लाइट वेव इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, क्या लिखा है, एक रिफ्लेक्टेड और दूसरा रिफ्रेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रेक्टेड रे है, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिस्टर एंगल, और कंडीशन क्या होता है, टेन आई इक्वल्स टू म्यू, ठीक है, फाइंड क्या करना है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी म्यू फाइंड करना है, तो म्यू की वैल्यू आप लिख दो 10i, i की वैल्यू 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री यानी कि √3, तो ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपके अच्छे रिजल्ट की शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम दंगल 08 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, फुल सिलेबस जो है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, द मोस्ट रिएक्टिव स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का चैप्टर है एक एनसीईआरटी का, उसमें कई बार बच्चे क्या है इसको कम पढ़ते होते हैं, ध्यान भी कम देते हैं, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे भी आप कवर करें, जैसे नीट में जैसे एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, एक हाइड्रोजन का चैप्टर है, केमिस्ट इन एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर है, बायो मोलिक्यूल है, ऐसे करके 4 से 5 चैप्टर बनते हैं और इनसे हर बार एक एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, तो अपने को पूछा मोस्ट रिएक्टिव स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज,
मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, देखो एटॉमिक और नेशेंट ये दो होते हैं, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करें ना तो एटॉमिक हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट। तो 51 का बच्चों हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। फिफ्टी टू, देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर बोल रहा है। तो आपन जैसे सेकेंड डे में जाओ, फर्स्ट डे में जाओ, जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनिक करेक्टर बढ़ते हैं, कोवेलेंट करेक्टर क्या होते हैं घटते हैं। तो आयनिक करेक्टर बढ़ता हुआ मिलेगा आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो देखो ये तो गलत हो गया, वैसे ये वैसे गलत हो गया। अब यहाँ पर अपन देखें तो CaCl2, MgCl2 ये नहीं आएगा, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। टॉप टू बॉटम जाओगे ना बच्चों, टॉप टू बॉटम, तो आयनिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होते हैं और कोवेलेंट करेक्टर क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं। कोवेलेंट करेक्टर कम होंगे और आयनिक करेक्टर इंक्रीज होंगे, तो इसलिए आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। 'which is not correctly for the stated property' है बच्चों, ये इसको प्रॉपर्टी पढ़ना आप, प्रॉपर्टीज। बेरियम, स्ट्रोंसियम, मैग्नीशियम एटॉमिक साइज का ऑर्डर है, ये ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये फर्स्ट आयनाइजेशन का पोटेंशियल का ऑर्डर है, ये गलत आ रहा है, क्योंकि इसमें अपन नाइट्रोजन का जो है लेफ्ट टू राइट जाते क्या होता है, टॉप टू बॉटम जो आईपी बढ़ता है, टॉप लेफ्ट टू राइट घटता है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ये ऑर्डर आएगा करेक्ट। तो ये हमारा क्या गलत हो गया। फिर है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सही है। क्लोरीन एफिनिटी जो है ईए का ऑर्डर, सीएल, एफ और आई है, ये ठीक है आपका। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर, ये भी ठीक आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इनकरेक्ट, जो गलत ऑर्डर है वो सेकंड हो जाएगा। फिफ्टी फोर, आयनिक बॉन्ड, आप देखो अमोनियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड भी है आपका, तो इसमें हमारे पास अमोनियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड भी होता है और कोवेलेंट भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। तो ए के अंदर जो है ना, ए के अंदर बच्चों हमारे पास आयनिक बॉन्ड भी है, देखो ये रहा, ए के अंदर पी भी मैच हो रहा है, ए के अंदर क्यू भी मैच हो रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एस भी मैच हो रहा है हमारे पास। एस के साथ ए आएगा, क्यू के साथ भी ए आएगा, पी के साथ भी ए आएगा और मेटालिक, अब मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, आर के साथ बी आ जाएगा आपका, ठीक आ रहा है ये। तो आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ, फोर्थ आंसर इज करेक्ट, देख लीजिए एक बार।
55 नंबर क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल MgCO3। देखो सेकंड ए के अंदर हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी के बारे में, फर्स्ट ए में सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने पर। फर्स्ट ए के सॉल्ट के लिए बात है, फर्स्ट ए सॉल्ट, और उसमें हमारे पास एक्सेप्शन रहता है Cl4- और I-। और सेकंड ए की बात करें, सेकंड ए सॉल्ट में सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है आपकी ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, और इसमें हमारे पास एक्सेप्शन रहते हैं OH-, F- और O-2। तो हमारे पास टॉप टू बॉटम जाओगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉनशियम, बेरियम, देखिए बच्चों फोर्थ आंसर मिला लीजिए। करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग टू बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो NO2 में देख लो आपके पास ये प्लस SP हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल आएगा 180 बॉन्ड एंगल आएगा सबसे ज़्यादा। अब NO2 आप निकाल लोगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 और इसमें भी sp2। NO2 का मतलब है इस तरह का स्ट्रक्चर है, और एक है NO2-। आप कंपैरिजन कर सकते हो, आप देखो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इसमें अब ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया है NO2-, तो यहां पर भी आपके पास क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है, लेकिन इसमें यहां प्लस आ रहा है, यहां माइनस आ रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कंपेयर कर लेंगे अपन, तो पहला जो बॉन्ड एंगल का बच्चों सही आ रहा है ये अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट 120 है, लेकिन 120 से थोड़ा ज्यादा होता है, ये 120 से थोड़ा सा ज्यादा है, रिपल्सन यहां ज्यादा लगेगा, और इसका कम हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक लोन पेयर का रिपल्सन और लगेगा आपके पास। तो पहला ऑर्डर आपका ठीक आ रहा है। PCl3 PBr3, तो पेरिफेरल एटम के अंदर जैसे ये फॉस्फोरस है, आई आ गया और यहां लोन पेयर है, तो ये रिपल्सन ज्यादा लग रहा है यहां साइज के कारण, तो ज्यादा मिलेगा आपको, ये भी ठीक है आपका। BF2 ये इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये sp3 हो गया है, लेकिन इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर है sp3 है, और इसमें यहां पर ये भी sp3 है। तो sp में सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर का देखो इसमें लोन पेयर नहीं है, इन दोनों में यहां लोन पेयर आ गया आपके पास, फिर यहाँ पर आपके पास NH3 में भी एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा आपको, ज़्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी आपकी सेंट्रल एटम की। तो ये ऑल आर करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट चलो, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। अभी आपको तो थोड़ी देर पहले ही बताया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो NO3, NO2 और NO2-, ये चीजें आ रही है हमारे पास,
तो यहां बॉन्ड एंगल आप देखो NO3 है, नाइट्रेट आयन है, ये NO3 है, NO2 प्लस हो गया, NO2 माइनस हो गया। तो बच्चों इसमें सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो बॉन्ड लेंथ तो एक्सपेरिमेंटल होता है, बॉन्ड लेंथ नहीं बता सकते आप कभी भी, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो पॉली एटम इसमें रेजोनेंस से। तो देखो सराउंडिंग बॉन्ड कितने हैं सेंट्रल एटम के और सराउंडिंग एटम कितने हैं, तो 4/3 होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33। इधर देखेंगे तो सराउंडिंग एटम कितने हैं, दो है, तो ये यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा 2, इधर बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 2+3, 3/2, 1.5। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका बच्चों, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 1.33, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आएगी, फिर आएगा आपका NO2 माइनस, फिर आएगा NO2 प्लस। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट, 57 में सेकंड आंसर इज करेक्ट। देखिए इसमें PBr3Cl2 है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो आप ये देख सकते हो कि इसका जो हाइब्रिडन sp3d होता है, इसमें ये फॉस्फोरस आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर आएगा आपका ब्रोमीन, ये क्लोरीन आएगा यहाँ, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट 0 है इसका, म्यू 0 होता है इसका। BF3 मॉलिक्यूल है, तो ये भी एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट 0 है इसका। तो S में देख लो बच्चों, S में A और D मैच हो रहा है, तो देखो सब में ये वाला गलत हो गया आपका। फिर आप चलो P में आपके पास आ रहा है A और D, P में A और D आ रहा है, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। देखो सेकंड हो गया, फर्स्ट वैसे दोनों गलत हो गया, अब थर्ड और फोर्थ में देखें AD और यहाँ पर आ रहा है, फिर AD आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 है, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 है और सिमेट्रिकल है ये भी, तो ये आपका ठीक जाएगा। देख लो 58 में थर्ड ठीक जा रहा है आपका, भाई ये भी सिमेट्रिकल ही है, ठीक है, ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो म्यू 0 है इसका भी, 1-4 पोजीशन पर आई। फिफ्टी नाइन क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट प्ले सेंट्रल रोल द फॉलोइंग फिनोमिना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में किसका रोल नहीं है, तो देखिए आइस फ्लोट इन द वाटर सही है, क्योंकि आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड रहता है, तो उसके कारण उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं और वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द HF इज ग्रेटर देन द अदर HX मॉलिक्यूल ऑफ द हायर मॉलिक्यूलर मास, ये भी सही बात है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल लेस देन दैट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल, ये भी ठीक बात है, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो देखिए ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है बच्चों, ये OH है, N डबल बॉन्ड O है, ये H बॉन्डिंग हो गई आपके पास, और पैरा आपका ऐसे है, तो एक में इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी और एक में इंटर होगी, इसमें होगी इंट्रा और इसमें होगी इंटर,
तो इंटर वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इंट्रा वीक होगी, तो वीक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट अपन कंपेयर करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनेट ऑफ लेस देन, तो इसका कम होगा इसका ज़्यादा होगा, तो ठीक है। एच सी एल इन्वॉल्व द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, हाँ डाइपोल डाइपोल है लेकिन हाइड्रोजन के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जैसे एच एफ है, यहाँ पैच बॉन्डिंग हो जाएगी क्योंकि मोर ई एन एलिमेंट है, मोर ई एन है, इसलिए ये फोर्थ जो आपका गलत हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग है द ऑप्टिकल आइसोमर, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। ऑप्टिकल आइसोमर में देखो बाइडेंटेट लिगेंड आपके पास होना चाहिए और बाइडेंटेट के अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ पर आपके पास ये इथाइलिन डाई एमीन है लेकिन ये पांच जो है ये गलत हो गया, इसका प्राइमरी वैलेंसी जो है कोबाल्ट की पांच नहीं होगी इसमें। फिर आपके पास यहाँ चलिए यहाँ थ्री है, अब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट नंबर सिक्स आना चाहिए, ई एन टू है तो ये सिक्स आ रहा है, ये ठीक हो सकता है। और यहाँ पर अपन देखें, अब बाइडेंटेड लिगेंड होना जरूरी है, पहली बात ध्यान रखना इसमें ऑप्टिकल के लिए क्या होना चाहिए, बाइडेंटेड लिगेंड, तो यहाँ पर ये थर्ड वैसे गलत हो गया। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करें तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहाँ टू आर आर, यहाँ ये भी गलत हो गया क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर नॉट इक्वल सिक्स, तो आपका क्या बच गया, सेकेंड आंसर इज करेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें सिक्स भी आ रहा है और बाइडेंटेड लिगेंड भी आ रहा है। अब आप इसमें बना के भी देख सकते हो इथाइलिन डाई एमीन जो है, जैसे आपके पास इस तरह से आप ले सकते हो स्ट्रक्चर, ये CO ले लो, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन जाएगा इसका। तो सिस जो होता है वो ऑप्टिकली आइसोमर होता है, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये सिस फॉर्म हो गया है और ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव लेकिन इसमें हो सकता है, तो आंसर सेकंड आ जाएगा आपका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेशन विद BaCl2, तो इसमें देखिए हम BaCl2 सॉल्यूशन डालेंगे ना तो कौन सा व्हाइट पीपीटी देगा, तो देखिए BaCl2 इसमें डालेंगे तो BaSO4 का जो है ना वो पीपीटी आएगा व्हाइट पीपीटी, BaSO4 बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आएगा और इसमें तो क्लोराइड है ही ऑलरेडी और इसमें NO2 ऐसे आएगा नहीं, और तो आंसर आपका थर्ड इज करेक्ट। ठीक है बच्चों नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर, डायमैग्नेटिक भी होना चाहिए और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए ये पूछ रहा है, तो देखिए जिंक जो है आपके पास ये इनर ऑर्बिटल नहीं होगा, डायमैग्नेटिक जरूर है लेकिन ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें क्योंकि d तो जो है इसमें कंप्लीट फील्ड हो गया, d10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो फिर sp3 और d। फिर यहाँ पर बात करें क्रोमियम की तो क्रोमियम के अंदर भी देखिए यहाँ पर 3d5 4s1 होता है, तो ये हाँ यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया इधर आ गया D3 हो गया। अब इसमें तो क्या है चाहिए आपके पास लिगेंड का इफेक्ट ही नहीं आएगा, वन जैसे मारो डी में वन डी में टू डी में थ्री लिगेंड का इफेक्ट ही नहीं आएगा। फिर हमारे पास आता है कोबाल्ट का, कोबाल्ट में हमारे पास एस में दो निकल जाएंगे, डी में 7 होते हैं, डी के दो निकल डी में 5 हो जाएंगे हमारे पास, D7 है कोबाल्ट, S में 2 आते हैं तो S के 2 निकल गए, D में 6 बच गए, सॉरी S में बच्चों D में 6 बच गए। अब D में 6 इलेक्ट्रॉन होते ही वहां पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी आपकी,
इस तरह से डी में हमारे पास है। तो दो डी हमारे पास रह गए खाली, वैकेंट हो गए। तो ये डी आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा और आगे पी आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन, डायमैग्नेटिक हो गया। निकल में आप देखोगे तो निकल में यहाँ आपके पास आ गए D8 और S में दो चले गए, D8 आ गए। तो D8 आएगा तो हमारे पास D8 के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है। 1 2 3 4 और ये आ जाएगा सॉरी ये हो गया 5, ये हो गया 6 7 और ये हो गया 8। अब इसमें तो क्या है, ये इधर आ जाएगा, ये तो गलत बन रहा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स ही नंबर बन रहा है, ये तो गलत बन रहा है। तो आंसर थर्ड आना चाहिए, देखो थर्ड इज करेक्ट, थर्ड आ जाएगा आपका। अब आ रहा है हमारे पास एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वांडरवाल इक्वेशन बिकम्स, वांडरवाल इक्वेशन जो है वो एक आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। जैसे हमारे पास ये वाला पार्ट आता है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होता है, और एक होता है वी माइनस एन बी बराबर आर टी। अब देखिए एट लो प्रेशर पर है ना, ये वाला पार्ट नेग्लिजिबल होगा, ये अप्रोक्सीमेट जीरो एट हाई एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर वॉल्यूम क्या होगा बहुत ज़्यादा, तो ये ए अपॉन एन स्क्वायर वाली वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। और इधर हाई टेम्परेचर लोगे तो उसमें एन बी वाली वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी एट हाई टेम्परेचर पर। ये जो एन बी वाली वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगी। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करने लग जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आंसर हमारा फर्स्ट इज करेक्ट, द डेंसिटी रेशियो ऑफ O2 एंड H2 इज 16 रेस्पेक्टिवली। RMS और D में रिलेशन निकाल लो बच्चों, VRMS जो होता है ना वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रपोर्शन होता है अंडर रूट में। तो अब आपके पास आ जाएगा, ये पूछा है O2 और H2, तो DO2 अपॉन DH2, तो ये हमारे पास आएगा VH2 अपॉन VO2 का अंडर रूट। तो 16 अपॉन 1 का मतलब हो गया बच्चों 4:1। ठीक है, लेकिन अपने को पूछा है O2 और H2 का, तो 1:4 आ जाएगा। तो VO2 अपॉन VH2 1/4, तो ये आंसर हो गया थर्ड, 64 में थर्ड आंसर इज करेक्ट। ये ध्यान से पढ़ना, आप यहाँ पर दे रखा है HO2 और H2 का, तो हमने ये लिख दिया, लेकिन अब हमारे पास रेशियो आएगा H2 और O2 का, पूछा है O2 और H2 का VRMS। अब आज ये सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट,
सबसे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है? तो स्टेबिलिटी जो है, देखो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, और एच इफेक्ट देखेंगे अल्फा एच से। अल्फा एच देखो किस में ज़्यादा है, तो यहाँ अल्फा एच 3 है, इधर अल्फा एच 2 हो गए, इधर अल्फा एच 1 है, इसमें अल्फा एच 0 है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बच्चों फर्स्ट कार्बोकेटाइन हो गया। डायरेक्ट इस CH3 का इफेक्ट आएगा, क्योंकि बाकी तो क्या रिंग का तो इफेक्ट कॉमन हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन देखें बच्चों, 66 में हमारे पास पूछा है मोस्ट सॉरी सक्सिनिक एसिड का बेसिक मीडियम में जो स्टेबल कन्फर्मर क्या बनेगा। तो देखिए इसमें हमारे पास बेसिक मीडियम में सक्सिनिक एसिड क्या होता है, CH2 COO-, ये एनायन बना लेंगे, पहले बेसिक मीडियम लेंगे ना, CWO चाहिएगा। यहाँ देखो पहले क्या आएगा, यहाँ पर COOH, COOH। अब जैसे ही बेसिक मीडियम लोगे तो ये बनेगा CH2COO-, CH2COO-, दो एनायन बन गए। अब आप इसका एक बार इक्लिप्स फॉर्म बनाओगे, एक बार स्टेगर्ड बनाओगे, तो इसमें देखिए इसका एंटी फॉर्म हम देखें तो ऐसे बनेगा, ये एंटी फॉर्म है इसका, और ये इसका स्टेगर, तो यहाँ रिपल्सन लगेगा बच्चों, यहाँ रिपल्सन होने लग जाएगा, इसीलिए यहाँ रिपल्सन नहीं होगा तो ये एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। थर्ड इज करेक्ट। अब अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो इसमें अपने को ऑर्डर पूछ रहा है, देखो ये ESR है, ESR जो है ना, ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन बोल दो या कार्बोकेटाइन बोल दो, वेलेंट इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो आप। तो बच्चों देखो इसका विड्रोविंग इफेक्ट है, इसका विड्रोविंग है, इसका डोनेटिंग इफेक्ट है, इसका प्लस आर माइनस आई पर इफेक्टिव है, इसका प्लस एच लग रहा है, इसका माइनस आई प्लस आर पे ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, इसका माइनस आर माइनस आई लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनने वाला है थर्ड। थर्ड के बाद में आएगा फिफ्थ, फिर आएगा फोर्थ, फिर है सेकंड और ये फर्स्ट, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। सिक्सटी एट नंबर क्वेश्चन देखें, करेक्ट सुटेबल ऑर्डर रीजेंट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर H2PD, BSO4, O3, H2O, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए हमारे को फाइनली क्या बनाना है, CH4 बनाना है, ये CH4 बनाना है और बेंजीन से बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसका करते हैं बर्च रिडक्शन, ये है बर्च रिडक्शन, तो बर्च रिडक्शन के बाद हमारे को जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिलेगा ये, फिर ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये हमारे पास, और रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है O3H2O, तो ये CH2 COOH
सी डबल ओ एच, और इसके हमारे को कितने मोल मिल जाएंगे, 2 मोल। फिर हम इसको करेंगे हीटिंग इफेक्ट आ रहा बच्चों, हीटिंग इफेक्ट, इसका मतलब यहाँ से CO2 निकल जाएगी तो बचेगा CH3 सी डबल ओ एच, और फिर हमारे पास सोडा लाइम के साथ इसको हीट करेंगे NaOCO के साथ, और फिर हीटिंग करेंगे, फिर CO2 निकलेगा, फिर CH4 आएगा। तो ये आंसर हो गया हमारा, थर्ड इज करेक्ट। सिक्सटी नाइन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। गोल्ड सोल इज मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, ठीक करेक्ट है ये। लार्ज नंबर ऑफ एटम ऑफ ए सबस्टेट एग्रीगेट टूगेदर एंड फॉर्म द मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, बिल्कुल सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट पकड़िए। मेटल सल्फाइड आर लायोफोबिक कोलाइड्स, सही है, मेटल के सल्फाइड लायोफोबिक होते हैं, लायोफिलिक नहीं होते हैं, मतलब सॉल्वेंट हेटिंग और से एक सॉल्वेंट लविंग। सल्फर सोल इज मल्टी मोलिकुलर कोलाइड एंड द हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये गलत हो गया बच्चों। मल्टी मोलिकुलर हो सकता है, लेकिन मल्टी मोलिकुलर S8 आ सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रोफिलिक नहीं होता, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो ये फोर्थ जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 देखें अपन। PKa दे रखा है और इफेक्टिव रेंज पूछ रहा है इसकी, बफर सॉल्यूशन के pH की बफर सॉल्यूशन रेंज पूछ रहा है। तो देखो ये आपके पास है वीक बेस और प्लस इट्स कॉन्जुगेट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये बेसिक बफर हो गया, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो सबसे पहले पीके दे रखा, तो अपन पीके भी निकाल लेंगे इसका, पीके भी आ जाएगा 14 - 9.26। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.74। ये पीके भी आया है इसका, ठीक है। पीके भी से हमारे पास पीओच की परास आ जाएगी, पीओच रेंज, पीओच रेंज क्या होगी, पीकेबी प्लस माइनस 1, ठीक है। लेकिन पीएच की परास निकालेंगे ना तो अपने को वापस क्या करना पड़ेगा, 14 में से ये माइनस करना पड़ेगा। तो पहले पीओच की परास देख लो, तब तो आएगी ये 3.74 to 5.7, लेकिन अपने को पीएच परास निकालनी है, पीएच रेंज। तो पीएच रेंज क्या हो जाएगी, पीओएच 14 माइनस पीओएच और ये हो जाएगी प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पीके भी हमने निकाल दिया, तो ये आ जाएगा आपका 8.26 से लेके और 10.26, ये रेंज बन जाएगी आपके। तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। H प्लस आयन ऑफ वाटर डज नॉट चेंज द एडिंग, देखो ये है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट, और ये है आपका एसिड, तो एसिड में एसिड मिलाओगे तो H प्लस और बढ़ेगा आपका, तो इससे तो वाटर का जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो इसको मिलाने से इसका भी एसिडिक नेचर और बढ़ जाएगा। KNO3 ये है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, जिससे H प्लस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, pH जो होती है इसकी हम ये कहते हैं 7 रहती है, फिक्स हो गई इसकी, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग वीक एसिड हो गया। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट।
मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई विल बी, वेल पॉपुलर क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनम सीरीज के अंदर यूरोपियम जो होता है ना, यूरोपियम, इसका एटॉमिक साइज मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम साइज होता है। वैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्ट अपन बोलते हैं ई यू यूरोपियम, इसका साइज 199 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये एक एनसीईआरटी का वेल पॉपुलर क्वेश्चन। कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमोंग द कॉइनेज मेटल, यह भी बताया आपको कि एजी जो होता है गुड कंडक्टर होता है, फिर कॉपर आता है और फिर एयू आता है, यह है कंडक्टिविटी ऑर्डर। लेकिन एजी क्या होता है, महंगा होने के कारण, कॉस्टली होने के कारण अपन इनको इसको जनरली यूज नहीं करते हैं, इसलिए कॉपर जो है अपन यूज लेते हैं। लेकिन कॉपर से बढ़िया एजी के अंदर कंडक्टिविटी क्या रहती है, हाई रहती है। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट चेंज SO2 से SO3, ये प्लस फोर से प्लस सिक्स में जा रहा है। तो देखिए यहां पर ये प्लस सेवन हाइएस्ट ऑक्सीडेशन में है, ये भी हाइएस्ट प्लस सिक्स में है, ये भी प्लस हाइएस्ट में है और ये भी प्लस टू में है, लेकिन ये हायर वाले लोअर में जा सकते हैं बच्चों। ये जा सकता है MN प्लस टू में, ये जा सकता है प्लस थ्री में, ये जा सकता है प्लस टू में, लेकिन Ba2 ये तो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ, क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन बेरियम की तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव डैंगलिंग बॉन्ड, डैंगलिंग बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, झूलते हुए बंध। जहां पर हम ये कहते हैं कि कोई भी सरफेस ओपन है, ओपन सरफेस है, तो वहां पर इंप्योरिटी क्या होती है, आकर के बाइंड हो जाती है, और इंप्योरिटी बाइंड होते ही वहां पर डैंगलिंग बॉन्ड फॉर्म होने चालू हो जाते हैं। तो देखिए ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की ओपन लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिलिका की भी स्ट्रक्चर ऐसे हो गई, लेकिन फुलरिन जो होती है, अब ग्रेफाइट में डैंगलिंग बॉन्ड, नॉट डैंगलिंग पूछा है, तो फुलरिन में कभी डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होते हैं, नॉट डैंगलिंग बॉन्ड, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ स्ट्रक्चर होती है, बकिंगमिंस्टर फुलरिन पूरी स्ट्रक्चर है वो पूरी पैक होती है, स्मूथ स्ट्रक्चर होती है, इंप्योरिटी कैन नॉट बाइंड विद दिस स्ट्रक्चर, या मैं कहूँ कि कार्बन के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकती। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। देखिए ये HGO HGS, ये सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, जब सल्फाइड ऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है तो ऑटो रिडक्शन है। कॉपर में भी देखो सल्फ हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कोई ऑटो रिडक्शन नहीं हो रहा है। ऑटो रिडक्शन कब होगा, जब उसका ऑक्साइड और सल्फाइड आपस में रिएक्शन कर ले और नो एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है आपके पास, तो ये आपका जो थर्ड है वो एक ऑटो रिडक्शन नहीं हो सकता है। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग पायरोमेटलर्जी एक्सट्रक्शन ऑफ एफ ई, ठीक है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक करंट अपन यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, पायरोमेटलर्जी में टेम्परेचर यूज करते हैं यहाँ पर, और हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब एक्वस सोल्यूशन अपन यूज करते हैं। तो सारे करेक्ट आ रहे हैं इसमें, मतलब मीडियम के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग,
फॉर सीजियम क्लोराइड द यूनिट सेल एज लेंथ ए इक्वल टू आर प्लस ई रूट थ्री वाई ए अपॉन टू, सही है। सीजियम क्लोराइड में देखो क्लोज पैकिंग देखनी है आपको कि बॉडी के डायगोनली हो रही है, मतलब बी सी सी क्लोज पैकिंग है, और एक होती है एफ सी सी फेस डायगोनल, इसमें इसमें आपके पास क्लोज पैकिंग जो है वो बॉडी के डायगोनली होती है सीजियम में, ये ठीक आ रही है आपकी बॉन्ड लेंथ, मतलब जो रेडियस आ रही है। फॉर एन ए सी एल यूनिट एज लेंथ ए, और इसमें आपके पास जो क्लोज पैकिंग होगी एफ सी सी अरेंजमेंट होती है फेस के डायगोनली क्लोज पैकिंग, और इसमें बॉडी के डायगोनल क्लोज पैकिंग होती है। फिर द वॉइड फ्रैक्शन ऑफ बी सी सी यूनिट सेल इज 6.6। वॉइड फ्रैक्शन जो होता है बच्चों ये नहीं होता, ये तो बी सी सी का पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 68% होता है बी सी सी में, तो ये गलत हो गया आपका। परसेंटेज वॉइड स्पेस फेस सेंटर्ड इज 76.74%, तो इसका होता है पैकिंग एफिशिएंसी, और वॉइड आ जाएंगे 26%, ये सही है आपका, तो थर्ड इज इनकरेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स कौन सा है? द राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ओवर द सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट का, सीधा क्वेश्चन है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन बाई वन टॉप फैक्टर इन टू एम आर टी, क्योंकि कंसनट्रेशन मोलिटी में होती है, ये भी ठीक बात है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 0.01 एक्वस सॉल्यूशन कंपाउंड इज, इसमें वन टॉप फैक्टर इसका ज़्यादा है, फिर इसका, फिर इसके बाद में, और सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। टू सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ द सेम मोलरिटी प्रिपेयर्ड ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम फ्रीजिंग पॉइंट, यही बच्चों क्या है इसका गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो भी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपको के एफ की वैल्यू बोल दो, के एफ वैल्यू पर डिपेंड करता है, के एफ वैल्यू होता है हर एक सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट के नेचर पर। Which of following is not correct for an ideal solution? तो आपको पता है कि ideal solution में डेल्टा इज मिक्सिंग जीरो होती है, ये भी मिक्सिंग ये जीरो होती है, लेकिन एंट्रोपी डेल्टा एस मिक्सिंग जो होती है ना बच्चों कभी भी नॉट इक्वल जीरो, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है सोल्यूशन में, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, एंट्रोपी जो होती है हमेशा बढ़ती होती है। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। एटी वन, वॉट इज द इनवर्ट सुगर एंड वाई सो इज नेम्ड, इनवर्ट सुगर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि जैसे मान लो आपके पास कोई सुगर सोल्यूशन है और हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ऑप्टिकल रोटेशन जो है तो चेंज हो जाता है ओवरऑल, जैसे आपने फ्रक्टोज लिया तो वो लीवर रोटेटरी से डेक्सट्रो रोटेटरी हो जाता है आपका, द सुगर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज तो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज फ्रॉम द प्लस टू माइनस, तो सेकेंड आंसर करेक्ट। अब ये तो गलत हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है इसका, तो यहाँ ये भी नहीं आ रहा है, सीधा सा क्वेश्चन है। पेप्टाइड बॉन्ड इज की फीचर इन पॉलीसेक्राइड न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स, और देखिए पेप्टाइड जो होते हैं ना वो प्रोटीन में ही होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, NH2CO जैसे आपने ले लिया, एक CH2 ले लेते हैं अपन, COOH, फिर दूसरे में आपके पास वही तो यहां से ही H2 निकल जाएगा आपका, तो ये CONH ये पेप्टाइड लिंकेज होता है, तो ये प्रोटीन में ही होता है बच्चों। एट्टी थ्री में देखें, बैकेलाइट इज मेड फॉर द फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, द इनिशियल रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड इज एग्जांपल ऑफ, बैकेलाइट क्या होता है आपका, ये फिनॉल होता है एक तो, और एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड,
अब देखो ये एसिडिक मीडियम में इसके ऊपर रिएक्शन करके और ये बन जा लेगा CH2OH और प्लस, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो क्या करता है, या तो ऑर्थो पे अटैक करता है या पैरा पे करता है, तो ये ESR का एग्जांपल होता है बच्चों, और इसी से बनता है आपका बेकेलेट पॉलीमर। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ESR फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 84 में अपन देखें तो इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका केमिस्ट ने एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, स्वीटनिंग कोफिशियंट होता है इनका और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। जैसे अभी आप पर एलिटेम बोल दिया, सुक्रालोज बोल दिया, सैक्रीन है, एस्पार्टेम है, तो इनका एक स्वीटनिंग कोफिशियंट होता है, स्वीटनिंग कोफिशियंट, ठीक है। और ये कंपेयर करते हैं अपन सुक्रोज से, तो यहां पर एलिटेम जो है वो 2000 टाइम स्वीटर होता है सुक्रोज से, सुक्रालोज ये होता है 600 टाइम स्वीटर, और एस्पार्टेम होता है 100 टाइम स्वीटर, और सैक्रिन होता है बच्चों 500 टाइम स्वीटर। तो ये आपने को स्वीटनिंग कोफिशिएंट है वो याद रखना पड़ेगा एनसीईआरटी से, ठीक है। तो हमारे पास पूछा है लोवेस्ट स्वीटनेस वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है, तो एस्पार्टेम हमारा सेकंड आंसर इज करेक्ट। 85 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये आपका केमिस्ट ने एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन, इक्विनिल यूज टू कंट्रोल द डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन, सही है, न्यूरोलॉजिकल को इफेक्ट करेगी। नॉन एथिड्रोन इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ये भी ठीक बात आपकी। 0.2% सॉल्यूशन फिनोल इज एंटीसेप्टिक और 1% सॉल्यूशन है डिसइंफेक्टेंट, ये भी सही। लो कंसंट्रेशन में एंटीसेप्टिक है, हाई मेडिसिन, ए ड्रग विच किल द ऑर्गेनिज्म, जो किल करती है वो बैक्टीरियोस्टेटिक नहीं होती बच्चों, बैक्टीरियोसाइडल होती है, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल होगी। तो फोर्थ इज इनकरेक्ट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना। अब आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, देखो मैंने इस पेपर में क्या है कि कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रखे हैं जो कई बार बच्चे पढ़ते नहीं है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करते रहते हैं, लेकिन पता चला कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और अपना गलत हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से हर बार एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्रेशन लेयर, सही है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है इन्वायरमेंट में, और ओजोन लेयर डज नॉट परमिट द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन टू रिच द अर्थ, ये गलत हो गया बच्चों। ओजोन लेयर तो डज नॉट परमिट बोल रही है इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन रेज, यूवी रेज जो होती है उनको क्या करती है वो रोक लेती है, तो परमिट इंफ्रारेड को करती है, तो आपको पूछा ही आपको रॉन्ग स्टेटमेंट। एसिड इज द मोस्टली बिकॉज द ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये ठीक है आपका, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। 87 नंबर, व्हेन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ K2Cr27 इज सैक्ड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4, देखो ये एक ऑक्सीडाइजिंग है, दूसरा रिड्यूसिंग है, पोटेशियम डाइक्रोमेटाइटेशन, तो इसमें क्रोमियम जो है ना Cr2O72 नेगेटिव, इसमें क्रोमियम प्लस 6 में है, तो प्लस 3 में जाएगा, और Fe+2 जो है वो Fe+3 में जाएगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग है तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसमें Cr272 नेगेटिव आयन रिड्यूस टू Cr+3 आयन, तो फर्स्ट इज करेक्ट। देखें द ऑरेनिस इक्वेशन इज, ऑरेनिस इक्वेशन आप जानते हो बच्चों क्या होता है, K इक्वल टू
ए माइनस ए अपॉन आर टी होता है, ए अपॉन आर टी ये होती है, के इक्वल टू ए स्मॉल ई आएगा, स्मॉल ई अपॉन आर टी। अब आप इसका क्या करते हो, इंटीग्रेशन कर लेते हो ना, इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास आ जाती है डी एल एन के अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में आप कर लीजिए, इसका तो कांस्टेंट हो जाएगा, ई है ये आपका इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर माइनस में जाकर प्लस में हो जाएगा, ई अपॉन आर टी स्क्वायर, ये अपॉन आर टी स्क्वायर, तो ये सेकेंड आंसर इज करेक्ट। प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ये अपॉन आर टी स्क्वायर, देखो यहाँ पर भी आ रहा है लेकिन ये इस तरह से रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। विच स्टेटमेंट इज ट्रू ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोसिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो यहाँ पर ई नोट सेल आपके पास आ रहा है बच्चों, ई नोट सेल और डेल्टा जी में रिलेशन आप जानते हो क्या होता है, तो यहाँ पर ई नोट सेल आपका जब लेस देन जीरो होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा आपका, डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल होता है, ये देख लो आप, जब आपका ई नोट सेल नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा जब आपका ई नोट सेल क्या होगा लेस देन जीरो होगा, तो एक बात तो ये दोनों क्लियर हो गई, तो ये दोनों चीज मिल रही है, और क्यू क्या होगा केसी से ज्यादा होगा, क्योंकि ई नोट सेल अपन निकालेंगे ना अलग से, तो वहां पर हमारे पास क्या आता है केसी डायरेक्ट आ जाता है ई नोट सेल के साथ में, तो ये हमारा आ रहा है थर्ड आंसर इज करेक्ट। जैसे हमारा क्यू ज्यादा होगा तो डेल्टा जी क्या आएगा ज्यादा आएगा, ई नोट कम आएगा, तो ये आप रिलेशन देख सकते हो। वैसे देखे तो थर्मोडायनेमिक्स में भी आ जाता है, प्लस ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी क्वेश्चन होता है, इक्विलिब्रियम का भी अच्छा क्वेश्चन है। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन, एक फेराडे ऑफ चार्ज इज पास थ्रू मोल्टन Al2O3 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मोल्टन NaCl टैंक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट द अमाउंट ऑफ कॉपर Al2, ठीक है, यहाँ पर मोल का रेशो पूछा है, देखो इक्विवेलेंट जो है ना दोनों के इक्वल डिपॉजिट होंगे और मोल डिफरेंट होंगे, इक्विवेलेंट अपन देखेंगे ना, इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो आप अलग अलग देख लो, जो एल्यूमिनियम देखो एक पर जाएगा Al+3, एक पर जाएगा Cu+2 और एक पर जाके जमा होगा सोडियम, तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट 1 है और मोल निकालना तो वैलेंस फैक्टर 3 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ 1/1 हो गया, तो अपना सिंपल रेशो आ जाएगा बच्चों, 6 एलसीएम आया तो 2, 3 और 6 ये आ जाएगा आपका थर्ड इज करेक्ट। HBr R2O2 ये आपके पास में AMKR का रूल होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ परोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, तो इसमें क्या होता है पहले आपके पास Br जाके जुड़ेगा फिर H जाके जुड़ता है फ्री रेडिकल फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पर आपके पास पहले जुड़ जाएगा फ्री रेडिकल, जैसे दो फ्री रेडिकल बनेंगे ऐसे आपके पास, तो स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा इसका, पहले Br जाके जुड़ेगा ऐसे, ये फ्री रेडिकल स्टेबल वाला बनेगा इसमें, ये Br जुड़ जाएगा जाके Me, और उसके बाद में अगले स्टेप में जाकर के H फ्री रेडिकल जाके जुड़ेगा इसके साथ, तो देखो आपके पास में आना चाहिए सेकेंड आंसर इज करेक्ट, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ और परोक्साइड इफेक्ट का क्वेश्चन है, इसकी मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, इसमें पहले Br फ्री रेडिकल जुड़ेगा और बाद में H फ्री रेडिकल जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी
एफएसआर मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल एडिशन, एफएआर बोलेंगे, एफएआर। नेक्स्ट है SN1 ऑर्डर का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। SN1 किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला, क्योंकि देखो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग आ जाएगी, फिर यहाँ पर एक बेंजीन रिंग का इफेक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन अल्फा एच आ जाएंगे आपके पास 6, और फिर यहाँ पर अल्फा एच आपके पास हो जाएंगे 3। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा पहले बैक बॉन्डिंग वाला, बीबी इफेक्ट आएगा, फिर बेंजीन रिंग का रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो डी बी ए और सी, थर्ड आंसर इज करेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा पेपर में ये आप इसको क्या ऑर्डर थोड़ा सा मिसप्रिंट, नीचे जो ऑप्शन है वो मिसप्रिंट होने से रह गए थे, तो आप इसको थोड़ा सही रीड करना, ठीक है। यहाँ तो सही है लेकिन पेपर में जो है वो प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक आई। नेक्स्ट बच्चों देखो 93 नंबर क्वेश्चन, विच कंपाउंड गिव्स द HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन का हेलवोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन है ये, और अल्फा एच कंटेनिंग जो एसिड होते हैं वो ये शो करते हैं, अल्फा एच कंटेनिंग एसिड, ठीक है ना, अल्फा एच कंटेनिंग एलिफेटिक एसिड जो है वो ये रिएक्शन शो करते हैं, HVZ हेल वो लार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये हमारे पास देखो अल्फा एच इसमें है ही नहीं, यहाँ अल्फा एच जीरो है, इसमें भी यहाँ पर अल्फा एच जीरो है, इधर भी अल्फा एच जीरो है, इधर बच्चों अल्फा एच क्या है, 2 आ रहे हैं हमारे पास, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट 94, CH3CH2H PCC। पीसीसी है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, दिस इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होता है बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, एल्कोल जो होता है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, CH2OH जो है ना उसको CHO में कन्वर्ट कर देता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, ये डबल बॉन्ड जो है नॉट अफेक्टेड, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए CH3CH CHO, थर्ड आंसर हो गया। NaOCl मेजर प्रोडक्ट, तो आपके पास ये पूछा है कि मेजर क्या होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है NaOCl बच्चों, हमारे पास क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिजेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जैसे हम बेस ले लेते हैं हेलोजन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है हमारा ये हेलोफॉर्म बना लेगा, फॉर्म हेलोफॉर्म, और ये जो CO पार्ट हमारा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हेलोफॉर्म में, मेजर प्रोडक्ट पूछा है इसमें। तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा मतलब CO वाला पार्ट, और इससे हेलोफॉर्म बन जाएगा, क्लियर बात बच्चों, बेसिक मीडियम में होता है ये NaOH प्लस Cl2 और अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड आते हैं हमारे इस तरह के CH3COH कंटेनिंग, ये कंपाउंड होते हैं जो हेलोफॉर्म शो करेंगे।
अब देखिए मेरा CH3CO, CH3 बेरियम हाइड्रोक्साइड और हीटिंग आ रही है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CHCH डबल बॉन्ड CO CH3 बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास एल्डोल रिएक्शन हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया बच्चों। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में CH3CO, एक का हमने ले लिया कार्बोनिल, दूसरे का अल्फा एच, ये H2 निकाल दीजिए आप, तो CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, ठीक है, तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। तो आंसर देखो आपके पास, पहला तो रॉन्ग हो गया बच्चों, ये दूसरा ठीक है आपका, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं अपन, COOH NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर हीट करेंगे, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, तो देखिए इसमें क्या बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से दो पार्ट, दो मोल अमोनिया रिएक्शन करेगा, CO NH2 थैलेमाइड बना पहले, अब इसके बाद में हीट कर रहे हैं अपन और फिर स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं, तो यहां से पहले आपके पास आ जाएगा अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहां से स्ट्रॉन्ग हीट करते ही, तो ये थैलेमाइड बन जाएगा बच्चों, थैलेमाइड नहीं थैलेमाइड, ये थैलेमाइड है, ये थैलेमाइड हो गया आपका, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। विच कंपाउंड गिव्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सा देने वाला है? तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट में ये वाला फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देगा, ये तो डी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, और ये आपके पास ये भी डी एक्टिवेटिंग हो गया, ये दोनों ही नहीं देंगे फ्रीडल क्राफ्ट, एक्टिवेटिंग ग्रुप होने चाहिए। लेकिन देखो बच्चों इसमें हाईली ये एक्टिवेट होगा, लेकिन इसमें क्या करेगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी इसके पास, और उसके कारण रिंग क्या हो जाएगी, डी एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है आपके पास, कंपाउंड कौन सी देगा, थर्ड कंपाउंड इज करेक्ट, थर्ड कंपाउंड आ जाएगा ये देगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट जैसे दो टाइप की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन भी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी होती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट में यहाँ पर जैसे हम लुइस एसिड लेते हैं और वो ये बेस होता है, तो इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है और रिंग क्या हो जाती है, डी एक्टिवेट हो जाती है ऐसे, जैसे लुइस एसिड ने यहाँ रिएक्शन कर ली, अब ये रिंग डीएक्टिवेट हो गई, तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट नहीं दे पाएगी आपके पास, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। PHCO NH3 POCl3 और P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा आपके पास, PHCN बनेगा, ये आप POCl3 ले लो या P2O5 ले लो, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग, ठीक है ना, PHCN डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया।
तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। देखिए बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास कई स्टेप हो गए। सबसे पहले सी एस थ्री सी ओ से बी आर टू की रिएक्शन कराओगे, तो सी एस थ्री सी ओ डबल ओ एच इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बी आर टू से रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होकर के ब्रोमीन आएगा, तो ये आ जाएगा सी एच टू बी आर सी डबल ओ एच। फिर आपका एन ए सी एन से रिएक्शन कराएंगे, तो अगले स्टेप में एन ए बी आर निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका सी एन। फिर बच्चों हाइड्रोलाइसिस होगा तो सी एन कन्वर्ट हो जाएगा सी डब्ल्यू एच में एच टू ओ एच प्लस। तो ये बन जाएगा आपका मेलोनिक एसिड, ठीक है। सक्सेनिक होता है वैसे मैलिक एसिड होता है, सॉरी ये मैलिक एसिड हो गया। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट हो गया आपका बच्चों, ठीक है। तो ये देखो पेपर था हमारा, और पेपर काफ़ी इजी पेपर है, स्कोरिंग पेपर है, और कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन मैंने नहीं दिया है टिपिकली, और थ्योरी के ऊपर पूरा जोर डाला है कि आप थ्योरिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा से अच्छे से कर पाओ और स्कोर भी कर पाओ बढ़िया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी बच्चों का अच्छा पेपर हुआ होगा, सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और अच्छा करें। ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब, जय सी एल सी। तो आज हम हमारे दंगल जो सीरीज चल रही है उसके बिल्कुल मिड में हैं, आठवां पेपर है आज हमारा, और अब आगे सात पेपर के लगभग हमारे और बचते हैं। तो अब तक हमने कंप्लीट सिलेबस के एट पेपर्स, आज आठवां पेपर हम डिस्कस करेंगे, हमने अटेम्प्ट किए हैं, उससे कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपका बूस्टअप हुआ होगा। कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक के अंदर किस किस पॉइंट के ऊपर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों ने वो भी एनालाइज किया होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे अपने आप कारवा बनता चला जाएगा, और आपके जो डिफ़िकल्टीज हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होती रहेंगी, और आप बिल्कुल पॉलिश होके आगे अपने फाइनल नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हो। तो आज हम दंगल एट का आपका जूलॉजी का पेपर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 101 क्वेश्चन से। बायलेटरल सिमेट्री एंड लेक ऑफ नीडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, नीडोब्लास्ट की एब्सेंस, इसका मतलब ये हमें कह रहा है कि ये हमारा ये टीनोफोरा फाइलम से है। इसका एग्जांपल होगा हमारे पास में टीनोपिलाइना और बैरोक। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, टीनोप्लाइना और बोरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। द सेल आर एन इन्वेजिशन ऑफ द मसल सेल सार्कोलीमा, पेशीय कला में अंतर्वलन है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं, ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल दोस्तों ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल्स जो है ये हमारे इस पेशी कला के अंदर अंतर्वलन पाया जाता है इन्हीं का। तो इसका आंसर आएगा हमारा सेकंड, ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है, ए बी सी डी ई आपको दे रखे हैं, आइडेंटिफाई हमें करने हैं। ए आपका एपिग्लोटिस है, बी अगर देखा जाए तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है इस जगह पर, सी डायफ्रोम है, डी जो आपकी रिब्स है उसके कट है, ई आपकी ब्रोंकस है। तो ए एपिग्लोटिस, बी प्लूरल मेम्ब्रेन, सी डायफ्रोम, डी कट्स ऑफ द रिब्स, ई ब्रोंकस, हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 104। एडीएच इज ट्रिगर्ड व्हेन ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस
डिटेक्ट एंड इंक्रीज इन द ऑस्मोलरिटी ऑफ द ब्लड अबाउ द सेट पॉइंट. ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन, इसका फंक्शन ये था कि जब आपके ब्लड के अंदर वाटर का कंटेंट कम हो रहा है, यूरिन के थ्रू वाटर बाहर निकल रहा है, पॉली यूरिया की कंडीशन है, उस टाइम पर ADH आता था और आकर जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का वो इंक्रीज कर देता था. तो यहाँ ये पूछ रहा है कि कब ऑस्मोरिसेप्टर्स ट्रिगर करेंगे और हाइपोथैलेमस स्टार्ट करेगा कि हमें ADH का सिक्रेशन ट्रिगर करना है. वो है हमारा 300 ऑस्मोल पर लीटर, सेकंड ऑप्शन आपका. इतने होने पर ऑस्मोलरिटी ब्लड की आपका ये ट्रिगर होगा और ADH का सिक्रेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा. नेक्स्ट पॉइंट, एनसीआरटी का डायग्राम अगेन. एडी आपके जो क्वेश्चन है ये आया है आपके हार्मोन वाले चैप्टर से, इसके एंडोक्राइन सिस्टम से. इसमें बता रखा है कि हार्मोन्स की जो एक्टिविटी है वो किस तरह से हो रही है. तो फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ से ए, जिसका साइज बड़ा है, जो हार्मोन आपका स्टेरॉइड कैटेगरी का नहीं है वो आकर बी, इसके जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ में अटैच होता है. तो ए नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, बी आपके रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ है, सी अटैच होते ही यहाँ पर सेकेंडरी आपकी मैसेंजर CAMP का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद उसने अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया. दूसरा आपका लॉन्ग एक्टिंग हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है, डी स्टेरॉइड हार्मोन्स जो सीधा का सीधा अंदर आपके साइटोप्लाज्म में आया, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एंटर हुआ, और एफ मतलब उसने रिसेप्टर के साथ अपना अटैचमेंट दिखाया. तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है एफ. ई है आपका, ई इसमें मेंशन नहीं है. जी है आपका जीनोम, एच है आपका mRNA, और आई है आपका प्रोटीन. तो ये है जो आपके लॉन्ग एक्टिंग हार्मोन्स हैं उनके लिए, स्लो एक्टिंग के लिए. ये है आपका फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स के लिए. इसका आंसर हमारे पास बैठ रहा है सेकंड. ए नॉन स्टेरॉइड हार्मोन, बी उसका रिसेप्टर, सी जो है सेकेंडरी मैसेंजर CAMP बना था, डी आपका स्टेरॉइड हार्मोन इसके रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर, एफ जिसके साथ वो अटैच हो रहा है, जी जीनोम है आपका, एच mRNA के फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन को ये स्टिमुलेट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, और आई उसके बाद में आगे प्रोटीन का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, मैच द कॉलम है. ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इनसेमिनेशन, इसमें आप उसको डायरेक्टली इंजेक्ट करते हो एम्ब्रियो के अंदर. ए के अंदर थर्ड आ जाएगा. IUI इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन, आर्टिफिशियली आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो सीमन को वेजाइना में या यूट्रस के अंदर. बी में फर्स्ट आ जाएगा आपका. सी IUT इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, मोर देन एट ब्लास्टोमियर का जो एम्ब्रियो है उसको आप ट्रांसफर करवाओगे सीधा का सीधा यूट्रस में. नेक्स्ट है GIFT गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसमें आप गैमेट्स को जो है डोनर का गैमेट है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे. नेक्स्ट ZIFT जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, 8 ब्लास्टोमियर अप टू 8 ब्लास्टोमियर का जो आपका एम्ब्रियो है उसे आप डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करोगे. तो इसके अकॉर्डिंग ए में थर्ड, बी के अंदर आपका फर्स्ट, सी के अंदर 5, डी के अंदर 2, ई के अंदर 4. आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए नोन टू मेड केव पेंटिंग, जिन्होंने केव में पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था
वो थे हमारे होमोसेपियन फॉसिलिस, जिन्होंने केव में पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, दो डायग्राम दे रखे हैं। फर्स्ट है आपके मॉर्फिन का डायग्राम, सेकंड है आपके कैनबिनॉइड का डायग्राम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड कैनबिनॉइड हाँ, बट प्रोड्यूस हेलुसिनेशन ये नहीं हो सकता। फोर्थ मॉर्फिन है, पेपेवर सेमनीफेरम से मिला है और सेडेटिव है, साथ में क्या है, पेन किलर। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा इसके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, फर्स्ट डायग्राम को रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 109, फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ द डायोसियस एनिमल, एक लिंगी जंतुओं का हमें ग्रुप ढूंढना है। नेरिस बेलनोग्लोसस नहीं हो सकता, फेसियोला अर्थवॉर्म, दोनों के दोनों एक लिंगी हैं या फिर आप कह सकते हो डायोसियस है। हमारा आंसर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 110, अमंग द फॉलोइंग मैनी एंजाइम्स आर द प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से हैं? नंबर वन ट्रिप्सिनोजन आपका प्रेजेंट है, नंबर टू पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज भी होता है, न्यूक्लियोसाइडेज प्रेजेंट नहीं होता, वो आपके इंटेस्टाइनल जूस के अंदर आएगा। न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, काइमोट्रिप्सिनोजन इसमें प्रेजेंट है, एंटेरोकाइनेज ये नहीं प्रेजेंट होगा, ये आपके डुडेनम का हार्मोन है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो प्रेजेंट होगा इसके पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। तो ये सारे एंजाइम्स आपके प्रेजेंट हैं किसके अंदर? पैनक्रियाटिक जूस में। टोटल काउंटिंग में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 टोटल आते हैं ये 6। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑल मोटर यूनिट्स एक्ट टूगेदर, पेशी के सभी चालक इकाइयां एक साथ काम करती हैं? नहीं। नेक्स्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड आफ्टर नर्वस स्टिमुलेशन सीज, तंत्रिकीय उद्दीपन नहीं है, अब आपके पास में कोई स्टिमुलेशन नहीं है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी लॉन्ग टाइम तक? नहीं, क्योंकि जैसे स्टिमुलेशन हटेगा वो अपना वापस रिलैक्सेशन स्टेट में आना स्टार्ट कर देगी, कॉन्ट्रैक्शन का एंड हो जाता है। द क्रॉस ब्रिज बाइंड टू द एक्टिन एंड शॉर्टन द सार्कोमियर, थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल एप्रोप्रिएट है कि क्रॉस ब्रिज कैसे बनेगा, एक्टिन बाइंड होगा और सार्कोमियर को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा, दो जेड लाइन के बीच की जगह वो कम हो जाएगी क्योंकि एक्टिन उसके ऊपर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन, 112, एसटीडी कोज, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती है? एटोपिक प्रेगनेंसी बिल्कुल सही, स्टिल बर्थ बिल्कुल सही, मृत शिशु का जन्म हो, इनफर्टिलिटी लॉन्ग टर्म तक है तो इनफर्टिलिटी भी प्रोड्यूस कर सकती है, अबॉर्शन प्रेगनेंसी पहले टर्मिनेट हो सकती है, अगर एसटीडी है तो अबॉर्शन भी कर सकता है, इचिंग बिल्कुल खुजली होती है अराउंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फ्लूड डिस्चार्ज रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास में जहां इचिंग हो रही है वहां से फ्लूड डिस्चार्ज भी होता है, पेन भी होता है, स्वेलिंग भी होती है, सेकंड भी सही है, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज PID बिल्कुल ये भी हो सकता है क्योंकि पेल्विक रीजन में ही आपके सेक्सुअली जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट हैं जहां पर STD हो रही है। तो हमारा आंसर आएगा इसके अंदर फोर्थ, ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 113, व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स देन एक्सॉन मेम्ब्रेन इज, यानी किसी भी टाइप का इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा है, रिलैक्सिंग स्टेट के अंदर है, तो कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू के पॉजिटिव देन एन ए पॉजिटिव,
पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, इम्परमेबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर आएगा आपका, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, 114। इन ग्राफीन फोलिकल द फ्लूड फिल्ड इन द केविटी इज कोल्ड, उसे क्या कहोगे जो ग्राफीन फोलिकल की केविटी के अंदर भरा हुआ है। एंट्रम नहीं बोल सकते, वो टर्शरी फोलिकल के अंदर हमारे पास था। लिक्वर फोलिकुली बोल सकते हैं, फोलिकुलर अट्रेशिया नहीं बोल सकते, एट्रेट्रिक फोलिकल नहीं बोल सकते। आंसर आएगा हमारा सेकंड, लिक्वर फोलिकुली, क्योंकि फोलिकुलर अट्रेशिया और एट्रेट्रिक फोलिकल का मतलब जो था कि ड्यूरिंग आफ्टर बर्थ एंड प्यूबर्टी पीरियड, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड था फीमेल के अंदर, उस टाइम बहुत से जो आपके ओसाइट्स थे वो डेड हो गए थे या डिसअपीयर हो गए थे, उन्हें आपने बोला था फोलिकुलर अट्रेशिया या एट्रेट्रिक फोलिकल। तो दोनों नहीं आ सकता, हमारा ऑप्शन आएगा सेकंड, लिकर फोलिकुली। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। पेडिग्री शो अकरेंस ऑफ एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म आपका ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो जेनेटिकल डिसऑर्डर है। इफ पर्सन फोर इज होमोजाइगस द कैरियर फॉर द ट्रेट इज, फोर्थ जो पर्सन है वो होमोजाइगस है और फोर्थ जो मेल दिख रहा है हमें उसके अंदर एल्बिनिज्म भी नहीं है, इसका मतलब इसके पास में दोनों जीन्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, कोई भी जीन म्यूटेट नहीं है। सिक्स जो फोर्थ वो मेरी करता है ऐसी फीमेल के साथ में जिसको क्या है एल्बिनिज्म। मान सकता हूँ कि जिसके पास में एल्बिनिज्म है उसके पास में ये जेनेटिकल फॉर्मेशन है, और जिसके पास एल्बिनिज्म नहीं है मैं मान लूँ उसके पास में ये जेनेटिकल कंपोजिशन है। इसके पास में एल्बिनिज्म है और ये क्या है नॉर्मल, तो इसके लिए हमने माने हैं जीन, सपोज किया है कि आई ए जो है वो म्यूटेंट जीन है जिससे एल्बिनिज्म होता है, और आई जीरो उसका जो ओरिजिनल नॉर्मल जीन है जिससे एल्बिनिज्म नहीं होता। अब यहाँ इनसे होने वाली दोनों प्रोजेनी जो है वो आई ए आई जीरो रखेंगी, क्योंकि फादर साइड से उसे मिलेगा आई जीरो, मदर साइड से उसे मिलेगा आई ए, यानी ये कैरियर होंगी। तो फिफ्थ और सिक्स्थ ये आपकी कैरियर है। अब बात करते हैं यहां पर, इसको एल्बिनिज्म था इसका मतलब इसके दोनों पेरेंट्स जो थे वो दोनों पेरेंट्स में वो म्यूटेंट जीन प्रेजेंट था, और वो किस इन दोनों के अंदर एल्बिनिज्म हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस थे, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, जब ये सिंगल जीन सिंगल अलील है तब ये प्रोड्यूस नहीं होता, तो दोनों पेरेंट्स के पास में ये कॉम्बिनेशन थी। ठीक, इनसे प्रोड्यूस होने वाली प्रोजेनी जो है एक प्रोजेनी वो हो सकती है जिसके पास में दोनों होमोजाइगस स्टेट में हो, म्यूटेंट आपके जो अलील्स है आई ए आई ए, वो है ये जिसमें एल्बिनिज्म आया है। दूसरी प्रोजेनी ऐसी हो सकती है जिसके पास में दोनों के दोनों ना हो प्रेजेंट, नंबर तीन ये वाली जो है आपकी, तो नंबर तीन जो है इसके पास में दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 1, 2, 5 एंड 6 ये कैरियर हैं एल्बिनिज्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू रिजल्ट ए चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज किससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट है अगर उसमें जीन म्यूटेशन हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, जीन रिकॉम्बिनेशन हो सकती है, जेनेटिकल ड्रिफ्ट हो तो भी हो सकती है, जीन माइग्रेशन हो तो भी हो सकती है, नेचुरल सिलेक्शन हो तो भी हो सकती है, बट रैंडम मैटिंग से हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते, वो उसे मेंटेन करती है आरडी वेनबर्ग इक्वेशन को। तो एफ को छोड़कर बाकी सभी आएंगे हमारे इसके अंदर, उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में
थर्ड ए बी सी डी ई सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 117, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के लिए नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक गेट इन्फेक्टेड बट नॉट द लंग्स। बिल्कुल सही है कि हमारा अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो इन्फेक्टेड होता है, लंग्स नहीं होते। कॉज बाय द राइनोवायरस, बिल्कुल सही है, राइनोवायरस से ही होता है। थर्ड जनरली रिकवर्ड इन 3 to 7 weeks, ये गलत है, 3 to 7 days के अंदर ये क्या हो जाता है, रिकवर्ड हो जाता है। थर्ड वाला जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 118, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू द यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा में आपका डोलिलियम आएगा, साल्पा आएगा, प्रायोसोम्स भी आएगा। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन ऑफ, किसके मॉडिफिकेशन से बनेगी, वो बनी होती है हाइलाइन कार्टिलेज के मॉडिफिकेशन से। थर्ड ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 120, फिल इन द ब्लैंक्स। ए ऑप्शन में है प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। किससे एनर्जी मिलती है हमें, फूड से। ईच ए में आ जाएगा फूड। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट बाय द जो बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज ए थीकोडोंट, जो कि अपने सॉकेट में ही प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप बोलते हो थीकोडोंट्स। और एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दिस इज कॉल्ड, उसे आप क्या बोलोगे, उसे बोलेंगे हेटरोडोंट टाइप के टीथ हैं वो। डी मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड एज ए। दो बार आ रहे हैं इसलिए मुझे बोलेंगे डाइफायोडोंट। तो ए में फूड, आपके बी में थीकोडोंट, सी वाले में हेट्रोडोंट, और लास्ट जो डी था उसमें आएगा डाइफायोडोंट। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, फॉलोइंग स्कीम टू शो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रीनल कार्पल्स। रीनल कार्पल्स की हमें स्ट्रक्चर बताई इन्होंने। मार्क द एग्जैक्ट ओरिजिन वेयर पोडोसाइट अराइज। पोडोसाइट सेल्स जो होती हैं वो आपके बोमेन कैप्सूल के इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं। तो यहां बोमेन कैप्सूल ए नहीं, कंप्लीट नहीं, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी आपका बोमेन कैप्सूल दिखाई दे रहा है। तो यह हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, फॉलोइंग आर विटामिन इन कॉलम फर्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज इन कॉलम सेकंड। कैसे आपका क्वेश्चन नंबर 122, फॉलोइंग आर द विटामिन इन कॉलम फर्स्ट एंड डेफिशिएंसी डिजीज इन कॉलम सेकंड। एक साइड में आपको विटामिन बता रखे हैं, दूसरे साइड में उसमें डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज के बारे में बता रखा है। तो फर्स्ट है हीमोरेजिक डिजीज हो जाएगी अगर विटामिन के की क्या है, डेफिशिएंसी है। डी विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स हो सकता है। विटामिन बी वन की कमी है तो बेरी बेरी हो सकता है। विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो फर्स्ट में बी, सेकंड में डी, थर्ड में ए, और आपका फोर्थ जो है थर्ड में ए, फोर्थ के अंदर सी, ये ऑप्शन है हमारे पास में थर्ड वाला। फर्स्ट में बी, सेकंड में डी, थर्ड में ए एंड फोर्थ में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस फिटलिस
ऑल्सो नोन एज ए हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बोर्न मोस्ट ऑफन अकर इन मदर एंड कैरिंग फोइटस। एथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस का मतलब अगर मदर आरएच नेगेटिव है और डेवलपिंग जो फोइटस है एम्ब्रियो है वो आरएच पॉजिटिव है तो एथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस हो सकता है सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पर। पहली प्रेगनेंसी में वो जो बच्चा है वो बिल्कुल हेल्दी जो है डिलीवर होगा या उसकी हेल्दी बच्चे का जन्म होगा, बट जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी आएगी उस टाइम पर वो बच्चा जो है वो प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर ही मर जाएगा। इसे बोलते हो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। तो मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है और जो कैरिंग फोइटस है वो क्या है आरएच पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, इक्वेशन दे रखी है आपके पास जिसमें जो CO2 का आप कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन है उसके रिगार्डिंग है, जो RBC कर रही है, RBC के अंदर कैसे हो रहा है। CO2 सबसे पहले अटैच होता है H2O के साथ में और बनता है कार्बोनिक बाइकार्बोनेट्स, आगे आगे बनेंगे इससे। तो यहां पर H2CO3 का फॉर्मेशन होता है और H2CO3 का फॉर्मेशन करने के लिए हमें चाहिए कार्बनिक एनहाइड्रेज बी। सी जो है यहां पर भी ये कार्बनिक एनहाइड्रेज ही काम कर रहा है और इसे HCO3 नेगेटिव और साथ में H+ आयन के अंदर तोड़ रहा है। तो हमारा पास में इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ए H2O है, बी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, थर्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ही है सी में, और डी आपका H+ आयन है जो इससे अलग हो रहा है टूट के। डायग्राम दे रखा है आपको इंटरनल ईयर का, इसमें सबसे पहले ए पर जाएं तो ये आपकी जो मिडिल वाली है स्केला मीडिया वो है, बी पर जाएं तो ये ऑर्गन ऑफ कोटाई दिखाई दे रहा है, सी किस पर प्रेजेंट है ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, डी आपकी नीचे वाली जिसे बोले आपने स्केला टिम्पेनाई, और ई जो है वो है आपकी अपर साइड वाली स्केला वेस्टिबुलाई। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो सेल्स थी जिनसे कि हार्मोन्स का सिक्रेशन हुआ करता था उसका डायग्राम हमें दे रखा है। ए सेल जो इंसुलिन देगी, इंसुलिन देने वाली थी आपकी बीटा सेल, बी सेल जो है ए ने इंसुलिन दिया है, बी सेल आपकी है इसके अकॉर्डिंग अल्फा जो सिक्रेट कर रही है सी यानी ग्लूकेगोन को, डी इंसुलिन अगर ज्यादा हो तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है यानी हाइपोग्लाइसेमिया होता है, और यही ग्लूकेगोन अगर ज्यादा है तो वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है इंक्रीज कर देता है, इसका मतलब वहां पर होता है हाइपर ग्लाइसेमिया। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आंसर जो है वो आएगा ए बीटा, बी अल्फा, सी ग्लूकेगोन, डी हाइपो, ई हाइपर ग्लाइसेमिया सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट 127, प्लेसेंटा एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, फॉलोइंग्स आर द हार्मोन प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। प्लेसेंटा हमारे HCG, HPL, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन इन सब का सिक्रेशन किया करता था, लेकिन जो HCG, HPL और रिलैक्सिन है ये सिर्फ हमारे प्रेगनेंसी पीरियड के ड्यूरिंग ही रिलीज हुआ करते थे थ्रू प्लेसेंटा। एस्ट्रोजन ये जरूरी नहीं है कि प्लेसेंटा ही रिलीज करे, इसे हमारी ओवरी भी रिलीज करती रहती है। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट
पेयर ऑफ द पाइसम सटाइवम जो मेंडल ने लिए थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ट्रेट्स उनके बारे में बात कर रहा है ये। एक्सल टर्मिनल फ्लोर पोजीशन बिल्कुल सही है। टेल ड्रॉप स्टेम हाइट ऊंचा था और दूसरा था बोना, लंबा और बोना। नंबर टू येलो ग्रीन पोड कलर, यहां नहीं, ग्रीन जो था वो डोमिनेंट था और येलो जो था वो रिसेसिव था पोड कलर में। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट। येलो ग्रीन पोड कलर, राउंड रिंकल सीड शेप। नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन। द गिवन डायग्राम ऑफ द मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ। एनसीईआरटी का डायग्राम है, दो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में। जो फर्स्ट डायग्राम है वो डाइवर्जेंट को शो करता है और जो सेकंड डायग्राम है जिसमें कंपैरिजन बता रखा है कॉलम के अंदर वो कन्वर्जेंट को शो करता है। तो ये जो है ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है उसको शो करता है जिसमें कि ऑर्गन जो है वो होमोलोगस है उनके बीच में। एच डी का मतलब है, एच मतलब होमोलोगस, अकॉर्डिंग टू होमोलोगस ऑर्गन जो डेवलपमेंट था या एवोल्यूशन था उसे हमने कहा था डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 130। इफ डोमिनेंट अलील ऑफ टू जीन लोकी प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, दो अलग अलग जीन लोकस पर जीन है जो कि एक ही टाइप का जो फिनोटाइप है वो प्रोड्यूस करते हैं, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर इनहेरिटेंट सेपरेटली और टुगेदर इट विल बी, वो साथ रहे या फिर वो अलग अलग रहे, ठीक है, इनहेरिटेंट आगे की तरफ जाए तब, तो वो कौन सा होगा, दो जीन एक तरह कैरेक्टर यानी एक दूसरे क्या है डुप्लीकेट है वो। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरियल अटैक इन ए पर्सन, मलेरियल अटैक जो हुआ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। मलेरियल अटैक का फर्स्ट सिम्टम होता है हाई फीवर आना, और हाई फीवर तब आता है जब हीमोजोइन रिलीज होता है। आंसर आ जाएगा फर्स्ट ही कि हीमोजोइन जब रिलीज हुआ तब मलेरिया का जो फर्स्ट सिम्टम है यानी हाई फीवर आना, ठंड लगना तेज, वो हमें दिखाई देगा या प्रोड्यूस होगा। सेकंड वाला जो है रिलीज ऑफ म्यूरोजोइड्स नहीं हो सकता, रिलीज ऑफ स्पोरोजोइड्स ऑन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्पोरोगोनी फर्स्ट एंड थर्ड, नहीं, हमारा फर्स्ट वाला जो है वही है जिसकी वजह से मलेरिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। फोर पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड बाय द अपरकुलम हीमोक्रियल टेल साइक्लोइड स्केल्स फ्रेश वॉटर हैबिटेट, गिल्स हैं वो कवर्ड हैं किससे, अपरकुलम से, इसका मतलब वो ऑस्ट्रिक्थीज क्लास की बात कर रहा है और ऑस्ट्रिक्थीज में दोनों थे जो कि सी वॉटर में भी रह सकते थे और आपके फ्रेश वॉटर में भी रह सकते थे, लेकिन हमें पूछा है सिर्फ फ्रेश वॉटर का एग्जाम्पल, तो फ्रेश वॉटर के अंदर लेबिया लोबिया फर्स्ट आएगा, कटला भी आएगा, एक्सोसिटस नहीं आएगा। फोर्थ में दे रखा है बोथ लेबिया एंड द कटला, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो मोर अप्रोप्रिएट है, तो फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। इन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये आपके टिश्यू का डायग्राम है जिसके अंदर ये पूछना चाह रहा है कि कार्टिलेज जो है वो उसका डायग्राम दे रखा है कि इसमें ए और बी क्या है। तो ए है आपके कोलेजन फाइबर्स और बी जो है आपका वो है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जिससे कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर
विच अकर ओनली इन दी मैंडुला, तो सिर्फ और सिर्फ मैंडुला के अंदर कंसंट्रेशन यूरिन का जो है उस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैंडुला में एरिया के अंदर, नीचे वाले एरिया के अंदर हमारा एक लूप था, दैट नोन एज ए लूप ऑफ दी हैनले। थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, वन थर्टी फाइव। क्लम्बिंग ऑफ सेल इज नोन एज, जब सेल एक के ऊपर एक चिपक जाती है जस्ट लाइक कॉइन सिक्कों की तरह, तो उसे आप क्या कहते हो, यानी उसका चिपना क्लम्प होना उसे क्या बोलते हो, उसे बोलते हो एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन यानी एक के ऊपर एक चिपक जाना, और रॉन्ग ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो भी हो सकता है, आरएच फैक्टर चेक ना किया जाए तो भी हो सकता है। अब हमारा सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है पेपर का, जिसमें से हमें टोटल जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उनको 15 में से 10 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। तो 136 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज द O2 HB डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट साइड। राइट साइड शिफ्ट होना कर्व का, जो आपका कर्व है अगर वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बॉन्डिंग है वो खत्म हो रही है, और वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को सेपरेट, यानी हीमोग्लोबिन को छोड़ रही है ऑक्सीजन और वहां से दूर जा रही है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम होता जा रहा है। और यही अगर लेफ्ट साइड में मूव करता है, इसका मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग हो रही है, यानी दोनों के अंदर जुड़ाव हो रहा है और हीमोग्लोबिन जो है वो सेचुरेट हो रहा है ऑक्सीजन से। तो अगर पीएच को बढ़ा दिया जाए तो ग्राफ लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, आपस में लगाव, बॉन्डिंग बढ़ेगी। पीएच कम हो तो भी ऐसा होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। टेम्परेचर कम हो तो भी ऐसा होगा, वो लेफ्ट साइड में जाएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग बढ़ेगी। बट 2-3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड ये आपके आरबीसी या हीमोग्लोबिन के पास प्रेजेंट था और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को सेपरेट करता है, तो उसकी वजह से ग्राफ कहाँ जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। आंसर आएगा हमारा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जनरली रिमेन्स परमिएबल टू बोथ सोल्ट एंड वाटर ड्यूरिंग सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के टाइम पर हमारी DCT जो है, इससे ये क्या होता है कि सोल्ट और वाटर दोनों का सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, डायग्राम दे रखा आपके पास में ब्रेन का। ए सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बी आपका कार्पस कैलोसम, सी आपका पॉन्स, और डी जो है वो आपकी है स्पाइनल कॉर्ड। हमारा आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 139, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फोइटस ऑब्जर्व बाय द मदर इज कॉल्ड क्विकनिंग। इट इज यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग, फर्स्ट मूवमेंट बच्चे का कब आता है, 5th मंथ के अराउंड आता है, तो एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं हो सकता, अर्ली 5th मंथ बिल्कुल सही। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है अर्ली 5th मंथ, वो बिल्कुल करेक्ट है कि 5th मंथ जो है उसके अंदर ही फर्स्ट मूवमेंट दिखाई देता है, विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ द, कह सकते हैं कि एम्ब्रियो जो है उसने मूवमेंट करना क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अर्थ इज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, आज से 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ जो है उसका ओरिजिन हुआ था या वो बनी थी, सही है। देयर वॉज नो एटमोसफियर ऑन अर्ली अर्थ, जब अर्थ बनी थी उस टाइम पर किसी भी टाइप का वायुमंडल वहां प्रेजेंट नहीं था, सही है। थर्ड,
वॉटर वॉज ब्रोकन इन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द लाइटनिंग ऑफ द क्लाउड्स, बिजली चमकी तो जो वॉटर था वो टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि सन से आने वाली यूवी जो लाइट थी उसने इस वॉटर को तोड़ा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो थर्ड जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। वन फोर्टी वन, द जीनोटाइप ऑफ ए फादर एंड चाइल्ड आर आई जीरो आई ए। तो फादर का जीनोटाइप जो है वो है आई जीरो आई ए, इसे मैं सिंपल आई और आई ए भी बोल सकता हूं। और जो चाइल्ड है उसका जीनोटाइप भी यही सेम है जो फादर का जीनोटाइप है। तो चाइल्ड का जीनोटाइप भी फादर के जीनोटाइप के बिल्कुल इक्वल है, आई जीरो आई ए या आई आई ए। ये पूछ रहा है कि मदर का पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो फादर साइड से इस बच्चे को आई जीरो मिल सकता है, आई ए मिल सकता है फादर साइड से। सपोज दैट ये फादर के जीनोटाइप्स हैं, मदर के जीनोटाइप्स क्या हो सकते हैं। अगर फादर से आई ए मिलता है तो मदर से हमें मिलना चाहिए आई जीरो। तो मदर के पास आई जीरो की पॉसिबिलिटी कब है, जब उसका ब्लड ग्रुप ए हो, और वो भी कौन सी पोजीशन के अंदर, हेटरोजाइगस के अंदर। मदर का ब्लड ग्रुप बी हो कौन सी पोजीशन में, हेटरोजाइगस के अंदर। ठीक, मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो तब भी हमें आई जीरो या फिर आई ओ हमें मिल सकता है। नेक्स्ट केस, अगर फादर्स की साइड से आई जीरो मिलता है तो हमें आई ए की नीड पड़ेगी। तो मदर का ब्लड ग्रुप हो सकता है ब्लड ग्रुप ए, वो होमोजाइगस स्टेट में भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक ब्लड ग्रुप और बचा है, वो है ब्लड ग्रुप ए बी। तो मदर का अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो भी हमें आई ए मदर से मिल सकता है। तो इस केस में आई ए मदर से आ सकता है, इस केस में मदर से आई ए हमें मिल सकता है। तो यहां पर आई ए यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। तो मदर के पॉसिबल जो जीनोटाइप्स हैं वो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जीनोटाइप्स है मदर के। और फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप हमें यहां एक ए ब्लड ग्रुप दिखाई देगा, बी ब्लड ग्रुप दिखाई देगा, ओ ब्लड ग्रुप दिखाई देगा और ए बी दिखाई देगा। तो टोटल कितने फिनोटाइप आ सकते हैं हमारे पास में, 4। तो जीनोटाइप हमारे पास है 5 और फिनोटाइप हमारे पास 4। इसका आंसर आएगा आपका थर्ड, 5 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप्स। वन फोर्टी टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेन द हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन या लो। उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो एक रहनी चाहिए, यानी किसी भी टाइप की नई वेरिएशन नहीं आ रही है, किसी भी टाइप का एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, उसके लिए रैंडम मीटिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। बी जो है वो है लार्ज पॉपुलेशन, बिल्कुल सही। जेनेटिकल ड्रिफ्ट हुई तो म्यूटेशन वो आगे एवोल्यूशन हो सकता है, जीन म्यूटेशन हुआ तो भी आगे एवोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि चेंजेस वेरिएशन आ रहे हैं। तो सी और डी नहीं हो सकता हमारे पास में, हमारे पास हो सकता है ए एंड बी, रैंडम मीटिंग और लार्ज पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया। निमोनिया हो सकता है आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है उससे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है उससे। तो इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, सेलमोनेला नहीं, थर्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा
आपका ऑप्शन आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट क्योरेबल। किसका, कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है या जो क्योरेबल नहीं है, उपचार नहीं हो सकता। फर्स्ट थी आपके पास में एड्स, सेकंड थी हेपेटाइटिस बी, थर्ड थी जेंटल हार्पिस। तो सिफेलिस बैक्टीरिया से होती है, हो सकता है गोनेरा इसका भी हो सकता है, जेंटल हार्पिस इसका ट्रीटमेंट हमारे पास में पॉसिबल नहीं है या ये क्योरेबल नहीं है, इसका उपचार नहीं किया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन नंबर 145, हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप विल बी प्रोड्यूस इन ए क्रॉस इन्वॉल्विंग द जीनोटाइप दिस एंड जीनोटाइप दिस। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, 2n फिनोटाइप कैलकुलेट करने का। तो फिनोटाइप कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है 2n। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जो है वो है n, और उसको 2 में रख सकते हैं हम। यहां हेट्रोजाइगस को काउंट किया जाए तो 1, 2, 3, यहां पर भी वो सेम ही है, ये वाला हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है और ये भी हेट्रोजाइगस है। तो हमारे पास टोटल हेट्रोजाइगस कितने हुए? 3, n की वैल्यू। तो आंसर आ गया आपका कितना? 8, फोर्थ वाला। नेक्स्ट 146, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस इज फाउंड इन द रूफ ऑफ। जो कोरोइड प्लेक्सस है वो किसकी रूफ के एंटीरियर पोर्शन के अंदर मिलते हैं, आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, वो है हमारा डायनसेफेलोन। तो डायनसेफेलोन के एंटीरियर साइड में कोरोइड प्लेक्सस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 147, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एलिमेंट्री कैनाल बिगेन विद द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड इट ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। मुख से शुरू होती है और एनस तक खत्म होती है एलिमेंट्री कैनाल, बिल्कुल सही। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी, ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ, ए मस्कुलर टंग, 3 ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। नहीं, उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो 3 की सलाइवरी ग्लैंड आपकी माउथ के अंदर प्रेजेंट नहीं है। दी बी वाला गलत है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड टेम्परेरी टीथ, बिल्कुल सही। और एडल्ट टीथ गलत। टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, बट उसे एडल्ट टीथ नहीं बोलते, वो परमानेंट टीथ को बोलते हैं। सी भी गलत। डी, द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड टेस्ट बर्ड, नहीं कॉल्ड पेपिली। तो हमारा डी भी क्या हो गया? गलत। तो बी, सी और डी तीनों के तीनों रॉन्ग है, ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। फ्रैक्शन इज लिस्टेंट इन द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बाय। घर्षण को कम करना बॉल एंड सॉकेट के अंदर, जो ज्वाइंट है आपका उसके अंदर, ये काम करता है आपका साइनोवियल फ्लूड। ये जो हड्डियों के बीच में होने वाला जो घर्षण है या जो फ्रैक्शन है उसको खत्म करने के लिए साइनोवियल फ्लूड यहां पर प्रेजेंट होता है। 149 इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। कनेक्टिव लिंक जो एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच में, पहला है नियोपिलाइना, नहीं हो सकता। दूसरा है आपका सीमाविरिया, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये कनेक्टिव लिंक है किसके बीच में? आपके एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच। लास्ट है हमारा 150 नंबर क्वेश्चन ए,
ये आपका हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ से हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन है और इनहिबिटरी हार्मोन है वो सिक्रेट हो गए आ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। उन्हीं के अकॉर्डिंग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट करेगी। तो वो हैं TRH, GH, IH ग्रोथ हार्मोन के इनहिबिटिंग के लिए, GnRH गोनेडोट्रोपिन के रिलीज के लिए और PRH प्रोलैक्टिन के रिलीज के लिए। हमारा ऑप्शन आएगा सेकंड। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज शर्मा, टीम बॉटनी, CLC सीकर। बेटा दंगल सीरीज टेस्ट नंबर 8, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, शानदार आपने परफॉर्म भी किया होगा। अपन ने इसी बेसिस पे इसको आपके क्या किया था, फेम किया था कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छा आप परफॉर्म करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बेटा आपके क्या हो, बूस्टअप हो। अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, पहले फिजिक्स इको दिया, फिर DCM दिया, फिर अपन ने दंगल दिया, तो अपनी प्रिपरेशन में बेटा कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपके हाई रखना है, बॉस के कॉन्टेक्ट में रहना है, मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि आने वाला जो 2021 का नीट है वो बेटा अपना है। सिंगल डिजिट रैंक अपन प्रोड्यूस करके रहेंगे। आ रही है बात समझ में? ओके CLCians, बढ़िया अच्छे से एक एक क्वेश्चन को फेम करके NCERT बेस्ड आपका क्या था, पेपर था। तो बेटा कहीं घबराना नहीं है, आने वाला जो भी पेपर है 2021 का जो नीट है वो बेटा किसका है, अपना है। ओके बेटा, तो अपन कहते हैं ना, जब इरादा कर ही लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ओके बेटा CLCians, चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्या इसी मुहिम पे, क्वेश्चन नंबर 151। सारे क्वेश्चंस NCERT बेस्ड, जैसा नीट में पेपर आता है उसी बेस्ड, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपके क्या हो जाए बेटा, बूस्टअप हो जाए। चलो 151, ये आपके कह रहा है एन इलोबरेट सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट विद ER प्रेजेंट इन। ER के साथ संकुचनशील तंतुओं का एक विकसित तंत्र उपस्थित होता है। तो ये बेटा आपके बात कर रहा है काई की, साइटोस्केलेटन की। काई की बात कर रहा है, साइटोस्केलेटन की। और साइटोस्केलेटन जो है वो आपके किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। और यहां यूकैरियोटिक सेल केवल और केवल आपको एक दे रखी है, कौन, एनिमल सेल। ओके बेटा चलो बढ़ते हैं आगे। फिर आपके पूछा है क्या, इन यूकैरियोटिक फॉर पैकेजिंग ऑफ DNA न्यूक्लियोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल द कोर NU पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियोसोम्स हैव। ये कह रहा है DNA की अगर आपको पैकेजिंग करनी है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम अगर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है तो ये पूछ रहा है इसके कोर में, तो इसके कोर में आपके 200 तो क्या पाए जाते हैं, बेस पेयर। लेकिन यहां बेस पेयर एक बेस से आपके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो ये ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आपसे घुमा दे तो यहां 400 न्यूक्लियोटाइड्स भी आपके क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एक ही बात है, 200 बेस पेयर बोलो चाहे 400 आप क्या बोलो, न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज दे रहा है, आप कह रहे हो कि सर न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें अपन H1 को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन कोर जो होता है उसमें केवल और केवल 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, कौन कौन सा, H2A, H2B, H3 और H4, इनके दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो टोटल जो है वो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि क्या होता है, ऑक्टामर। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, 200 बेस पेयर लॉन्ग DNA और ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, तो आंसर आपके चला जाएगा बेटा क्या, सेकेंड। उसके बाद में है फिर क्या कि विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर मोनोकॉट रूट। तो मोनोकॉट रूट के लिए एक्जार्ज कंडीशन आपको पता ही है, रूट जो है उसमें आपकी कंडीशन होती है कैसी, एक्जार्ज, जबकि आपके कौन, स्टेम जो है उसमें आपकी कंडीशन जो होती है वो आपके क्या होती है बेटा, एंडार्ज। ठीक है, तो यहां आपके एक्जार्ज कंडीशन बिल्कुल सही है। डाइकॉट जो रूट है उसमें पिथ जो है वो आपके क्या होता है, लेस डेवलप, लेकिन मोनोकॉट में क्या है, वेल डेवलप। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पता ही आपको, जो रूट होती है उसकी एंडोडर्मिस में सुबेरिन का क्या होता है, डिपोजिशन होता है, जिसको अपन कहते हैं क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, सही हैं। लेकिन यहां कह रहा है डायार्ज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल नहीं, 6 से आपके ज्यादा होते हैं, पॉलीआर्ज कंडीशन होती है, तो ये बेटा आपके क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आंसर आपके चला जाएगा कौन सा, 4th। उसके बाद इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग एस फेज DNA रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। देखो आप क्या कह रहे हो, एस फेज जो है वो पार्ट है किसका, इंटरफेज का, और इंटरफेज में आपके क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपके क्या है बेटा, प्रेजेंट है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके यहां क्या है, प्रेजेंट है, तो यहां तो DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है और यहां सेंट्रियोल का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन। तो DNA का रेप्लिकेशन तो आपके हो रहा है कहां, न्यूक्लियस में, एंड
डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल जो है वो आपके किसमें है, साइटोप्लाज्म में। तो क्रमशः केंद्रक और किसमें आ जाएगा, कोशिका द्रव्य में। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो, हाउ मनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनएडीएच टू ऑक्सीडेशन इन ईटीएस ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन की जब आप बात करोगे बेटा, तो इसमें केवल और केवल आपसे किससे पूछ रहा है, NADH2 से ETS में आपको कितने ATP मिलेंगे। तो आप क्या कह रहे हो, देखो यहां आपके एक तो होगा ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, एक तो आपके क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसके बाद में आपके क्या होता है बताओ, लिंक रिएक्शन, और उसके बाद में आपके होता है क्या, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो यहां आपके ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें आपके 2 NADH2 बनेंगे, लिंक रिएक्शन में आपके 2 NADH2 फॉर्म होते हैं, जानते ही हो आप, और यहां क्रैब साइकिल, चूंकि लिंक रिएक्शन से 2 acetyl कोएंजाइम ही बनते हैं, इसीलिए क्रैब साइकिल आपके 2 times क्या होगा, रन होगा। तो यहां आप क्या कहोगे, 2 into कितना हो जाएगा, 3 NADH2, ठीक है। तो यहां आपके आ जाएगा कितने, 6 NADH2, कितने आ जाएंगे, 6 NADH2। तो 2 किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, 2 लिंक रिएक्शन में, और 6 आपके बन गए क्रैब साइकिल में, और क्रैब साइकिल कितनी बार हुआ है, 2 times। तो यहां टोटल आपके कितने हो गए, 10 NADH2, ठीक है। अब आपको पता ही है, 1 NADH2 जो है वो आपको कितनी ATP देगा बताओ, 3 ATP, ठीक है। तो टोटल जो ATP मिलेंगे वो आपके होंगे कितने, 30 ATP, बोलो सही है क्या, ठीक है। नेक्स्ट आप चलो, लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाई ए बैक्टीरियम कॉल्ड। स्विस चीज में बड़े छिद्र जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न CO2 की अधिक मात्रा से उत्पन्न होते हैं, ये बैक्टीरिया आपके क्या कहलाते हैं। तो आप कह रहे हो क्या, पोरस, जिसमें आपके क्या होते हैं, पोर होते हैं, या स्पॉन्जी चीज जो है वो तो आपके प्राप्त होता है किससे, प्रोपिनियो बैक्टीरियम सरमानी से। लेकिन यही एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपके आता है, एक स्मेल, एक स्पेसिफिक आपके क्या होती है, स्मेल युक्त आपके क्या है, चीज है, वो आपके मिलता है आपको किससे, पेनिसिलियम रॉक्यू 40 से, और इस चीज को अपन कहते हैं क्या, पेनिसिलियम रॉक्यू 40। फिर आप देखो यहां कह रहा है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन इन फ्रूट्स। फलों में क्लाइमेट्रिक श्वसन के लिए कौन उत्तरदायी है। देखो आप क्या कहोगी, जब आपके फ्रूट जो है वो आपके क्या होते हैं, राइपंड होते हैं, तो इनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो आपके क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसको अपन कहते हैं क्या, क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन। और इसके लिए बताओ, फ्रूट की राइपनिंग के लिए आपके कौन रेस्पॉन्सिबल था, इथाइलिन। तो इसके लिए भी आपके कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा, इथाइलिन। देखो आप सारी चीजें देख रहे हो, NCERT बेस्ड आपके क्या है, पेपर है, जो लेवल नीट में आता है उसी लेवल का बेटा क्या है, पेपर है। आपको PhD नहीं करनी है, PMT करना है, नीट फोड़ना है। तो आलतू फालतू का कचरा पढ़ना बंद करो, पेपर एकदम आपके कहां से आना है, NCERT से, एकदम सिंपल इजी पेपर आना है। ओके बेटा, देखो फिर है आपके 158, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनोकुलम सबस्टांस। देखो आप क्या कहते हो, इनोकुलम आपके होता क्या है, कि ये आपके क्या था, मिल्क था, इसमें आपके स्मॉल अमाउंट अपन ऐड करते हैं किसका, कर्ड का, ठीक है। और यहां आपके LAB जो है वो आपके सूटेबल टेम्परेचर पे क्या करता है, ग्रो करता है, और ग्रो करके यहां इसको आपके क्या है, केसीन प्रोटीन को कॉगुलेट करके और आपके कन्वर्ट कर देता है काय में, कर्ड में। तो यहां जो आपने डाला है वो आपके स्मॉल अमाउंट है किसका, कर्ड का, जिसमें आपके क्या है, मिलियंस LAB क्या है, प्रेजेंट है। तो आप कहोगे विदाउट बैक्टीरिया कंटेन मिल्क, रॉन्ग हो गया बेटा। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड फ्रेश मिल्क, बिल्कुल सही है। लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क कंटेन यीस्ट, कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टर सबस्टांस कंटेन मिलियंस ऑफ LAB, यहां तक ये ठीक था। एंड सम यीस्ट, तो यहां आके मामला क्या हो गया, खराब हो गया। एड इन ग्लूकोज, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो सही आंसर जो जाएगा बेटा आपका कौन सा जाएगा, सेकेंड। उसके बाद में आप देखो, कैमोफ्लेज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म वेयर, छद्मावरण एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है जहां, भाई आप क्या कहते हो कैमोफ्लेज में, कैमोफ्लेज में आप कहोगे जो प्रे है वो आपके क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। कलर चेंज करेगा क्यों, अपने प्रीडेटर से आपके काय के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रीडेटर से, प्रीडेटर जो है उसकी पकड़ से बचने के लिए। तो यहां कहोगे प्रीडेटर्स आर नेवर क्रिप्टिकली कलर्ड फॉर इजी कैप्चरिंग ऑफ देयर प्रे, परभक्षी कभी भी अपने शिकार को आसानी से पकड़ने हेतु गुप्त रंग प्रदर्शित नहीं करते, ये रॉन्ग है। प्रे स्पीसीज आर क्रिप्टिकली कलर्ड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रीडेटर,
यानी कि शिकार जातियां परभक्षी के पहचाने जाने से बचने हेतु गुप्त रूप से आपके रंग क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। प्रे प्रोड्यूसेज सम पॉइजनस केमिकल्स इन देयर नहीं होगा, प्रीडेटर्स इवॉल्व सम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपके चला जाएगा सेकेंड। फिर आप कहोगे क्या, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केंद्र के समीप, ठीक है, संकेंद्रीय रूप से आपके क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो न्यूक्लियस के पास, केंद्र के पास कंसेंट्रिकली अरेंज जो होती हैं वो आपके किसकी, गॉल्जी बॉडी की क्या होती है, सिस्टर्नी, साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आंसर आपके जाएगा क्या बेटा, गॉल्जी बॉडी। फिर है आपके विच इज राइट स्टेटमेंट फॉर अनट्रांसलेटेड रीजंस यूटीआर इन यूकैरियोटिक एमआरएनए। देखो यूकैरियोटिक एमआरएनए में जो 5' प्राइम होता है, इससे पहले भी आपके क्या होते हैं, यूटीआर्स होते हैं, और 3' प्राइम के बाद में भी आपके क्या होते हैं, यूटीआर्स होते हैं। ये आपके काहे को, ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको आपके क्या है, ज्यादा एफिशियंट आपके क्या है, बनाते हैं। तो यहां यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजंस आपके 5' प्राइम से पहले भी और 3' प्राइम के बाद में भी बेटा क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो यूटीआर प्रेजेंट एट बोथ एंड, 3' एंड 5' ऑफ एमआरएनए। अब देखो यहां इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, कॉलम फर्स्ट एवं सेकंड को सुमेलित कीजिए। देखो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो आपके एक बैक्टीरिया, किससे बताओ, इससे एक एंजाइम आएगा इस बैक्टीरिया से, कौन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये मायोकार्डियल इंफेक्शन के जो आपके रोगी होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें आपके क्लोट ब्लस्टर होता है, थक्कों को आपके क्या करता है, डिजॉल्व करता है। तो ये हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफेक्शंस में आपके क्या होता है बेटा, यूजफुल होता है। तो आपके दूसरा है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ये आपके क्या है, एक फंजाई है, इससे साइक्लोस्पोरिन ए आपके क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जो इम्यूनो सप्रेसेंट यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र का आपके क्या होता है, संदमक होता है। जब आपने कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है तो उस टाइम ये इम्यून सिस्टम को बेटा क्या करता है, सप्रेस करता है। तो यहां मिला लो स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज आपके क्या है, क्लोट ब्लस्टर है, यानी कि एक आपके पहला तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, दूसरा ये आपके हार्ट अटैक में आपके क्या है, यूजफुल है, सेकंड हो जाएगा, और मायोकार्डियल इंफेक्शंस में भी आपके क्या है, यूजफुल है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तो हो जाएंगे, ए के लिए, बी के लिए ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम में आपके क्या क्या आएगा, एक तो आपके क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, और ये क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है, फोर। तो आंसर आपके चला जाएगा क्या, सेकंड। फिर देखो नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एब्सिसन इज प्रमोटेड बाय, विल्गन को आपके बढ़ावा देता है, सीधा सा है, एब्सिसन को बढ़ावा प्रमोट करने के कारण ही इसको अपन क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो यहां आंसर आपके चला जाएगा कौन सा, सेकंड। उसके बाद में फिर अपन बात करें, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो, नीचे दिए गए कथनों में से गलत को चुनिए, तो इसमें से आपको रॉन्ग को चुनना है। बैटल विद सैड एंड ब्लैक मार्केट मार्किंग लेडीबर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर बायो कंट्रोलर एजेंट, काले व गहरे चिन्ह युक्त लेडीबर्ड बीटल तथा ड्रैगन फ्लाई जैव नियंत्रित कारक हैं, बिल्कुल सही है। बैक्यूलो वायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक ऑन ऑर्थोपोड्स, बिल्कुल सही है। बैक्यूलो वायरस इंक्लूडेड इन जीनस न्यूक्लियोपॉलीहिड्रोसिस, ये भी सही है। पूसा कॉमल रेजिस्टेंट टू वाइट रस्ट डिजीज, ना बेटा वाइट रस्ट डिजीज के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, किसके लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, ठीक है, किसके लिए होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। तो ये आपकी फोर्थ जो है वो बेटा आपके क्या है, रॉन्ग है। तो यहां आंसर जाएगा आपके कौन सा, फोर्थ। इसके बाद में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस, तो क्लोरोफिल सिंथेसिस में कौन कौन काम आते हैं बेटा, एक तो एफ ई आता है और एक आपके एम जी आता है, सीधा एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ ई और आपके क्या हो जाएगा, एम जी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर ये कह रहा है, विच वन इज नॉट ए ऑब्लीगेटरी रिलेशनशिप, देखो बेटा एक तो आपकी होता है क्या, ऑब्लीगेटरी, और दूसरा आपकी होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, ठीक है। ऑब्लीगेटरी का मतलब है कि इनका साथ रहना आपके क्या है, जरूरी है। अगर आपके क्या है, इनको अलग किया गया या एक की आपके एब्सेंस है, तो दूसरा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यहां फैकल्टेटिव साथ है तो ठीक है, अगर अलग भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां ऑब्लीगेटरी रिलेशनशिप देखना है, यानी कि एक अगर गायब हो जाए तो दूसरे का लाइफ साइकिल आपके क्या हो जाए बेटा, डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो यहां आपके लाइकेन, माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट बिल्कुल आपके ऑब्लीगेटरी रिलेशनशिप है,
माइकोराइजा, हायर प्लांट्स की आपके क्या है, पाइनस की रूट और फंगस, बिल्कुल सही है। फिग ट्री और वास्प, ये भी बिल्कुल सही है। एग्रीट एंड ग्रेजिंग कैटल, ठीक है, ये इसका आपके एग्जाम्पल नहीं है। ये आपके एग्जाम्पल होगा किसका, कॉमेंसलिज्म का। और कॉमेंसलिज्म कैसा होता है, प्लस जीरो टाइप का आपके क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। ओके बेटा, तो यहां आंसर आपके जाएगा फोर्थ। कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि यहां ये आपके क्या है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप नहीं है। क्या है ये, कॉमेंसलिज्म, यानी कि इसके आपके क्या है, ग्रेजिंग कैटल्स जो है ये तो आपके क्या है, न्यूट्रल रहते हैं यहां, और इसको आपके क्या होता है बेटा, फायदा होता है। तो प्लस और जीरो टाइप का ये आपके क्या है, रिलेशनशिप है। फिर इसके बाद में देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हाउ मनी एलिमेंट्स आर लिविंग एंड डेड इन जाइलम एंड फ्लोएम रेस्पेक्टिवली। तो जाइलम में आपकी क्या है, तीन, कौन कौन, ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये आपके क्या होते हैं, डेड। तो यहां केवल और केवल लिविंग कौन है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो यहां आप क्या कहोगे, देखो वन लिविंग है और थ्री आपके क्या है, डेड है। अब आप आ जाओ फ्लोएम पे, फ्लोएम में आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी क्या है, लिविंग है। केवल आपके फ्लोएम फाइबर क्या है, डेड है। तो यहां आप क्या कहोगे, थ्री लिविंग है और वन आपके क्या है, डेड है। तो आंसर आपके चला जाएगा क्या, सेकेंड। फिर आप कहोगे क्या, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, ये उल्टा है। क्या कहोगे आप, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, तो ये ही बेटा आपके क्या हो गया, रॉन्ग। फिर माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रेजेंट्स द प्रोटीन सिंथेसिस, में डीएनए होता है और डीएनए होने के कारण अपने रिक्वायरमेंट के कुछ प्रोटीन्स का ही आपके क्या कर लेता है, सिंथेसिस कर लेता है। बल्कि आपके क्या है, मैक्सिमम प्रोटीन्स के लिए डिपेंड है किस पे, न्यूक्लियस पे, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, और एटीपी सिंथेसिस यहां होता ही है। गॉल्जी बॉडी रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रेक्टाइल अरेंजमेंट इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है, अभी बात हुई थी। माइटोकॉन्ड्रिया एंड मीजोसम्स ऑफ बैक्टीरिया आर एनालॉगस, सही है, दोनों ही एटीपी आपके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो फंक्शन आपके क्या है, दोनों का सेम है, तो ये आपके एनालॉगस क्या है, स्ट्रक्चर। तो यहां रॉन्ग जो है वो आपके क्या है, फर्स्ट। तो आंसर आपके जाएगा बेटा कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट आपके है, देखो बहुत अच्छी चीज है, व्हाट वुड हैपन इफ लैक आई जीन। लैक आई जीन जो है वो आपके काय को, रिप्रेसर जो है, रिप्रेसर को आपके क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसमें आपके क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो रिप्रेसर आपके क्या है, फॉर्म ही नहीं होगा। और रिप्रेसर फॉर्म नहीं होगा तो लैक ऑपेरॉन या जीन ऑलवेज आपके क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्यों, ऑफ आपके कौन करता है, रिप्रेसर करता है, सही है ना। जो आपके ऑफ करेगा वही आपके क्या हो गया है भाई, आपके रिप्रेसर इसको क्या करता है, ऑफ करता है। तो इसको फॉर्म करने वाला जीन ही आपके क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया है। तो ये आपके क्या है, फॉर्म होगा नहीं, और ये फॉर्म होगा नहीं, तो ये बाइंडिंग साइट पे जाएगा नहीं, तो जीन ऑलवेज आपके क्या रहेगा बेटा, ऑन रहेगा। तो यहां लैक ऑपेरॉन विल ऑलवेज ऑन, लैक ऑपेरॉन हमेशा के लिए आपके क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज नॉट, एक पुनर्योगज प्रोटीन नहीं है। ह्यूमुलिन ई कोलाई से बनाया गया था, रिकॉम्बिनेंट था बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आपने क्या है, पैनक्रियाटिक सेल जो है उससे जीन को निकाल के काय में ई कोलाई में आपके क्या करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। दूसरा, क्राई प्रोटीन इन कॉटन, ये भी आपके क्या है, बेसिलस थुरिजियंसिस से आपने सेपरेट किए थे और कॉटन में एंटर करवाए थे। बोवाइन इंसुलिन, ये आपके पिग और काऊ से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये आपके रिग आपके क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नहीं है। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जो है वो भी आपके क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्या है, प्रोटीन। तो यहां आंसर जो जाएगा वो बेटा क्या जाएगा, बोवाइन इंसुलिन। पहले पुराने जमाने में अपन डायबिटीज के पेशेंट के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या है, पिग और काउज से अपन क्या लेते थे, इंसुलिन लेते थे, उसको अपन कहते थे बोवाइन इंसुलिन। तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आपके नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ऐसे भी वहां पूछे जा सकते हैं, तीनों चीजें कहां से, एनसीईआरटी से, और ये बाहर से। तो ये बाहर से, तो इन तीनों की इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली है ही। इसका डिस्कस भी आपके एनसीईआरटी ने कर रखा है कि पहले जो भी अपन इंसुलिन लेते थे डायबिटीज पेशेंट के लिए, वो अपन कहां से लेते थे, पिग से और आपके काऊ से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब इसमें कई है ना, देखो यहां इसको देख के कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। इरा पियर शेप्ड आपके क्या है, बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर विद अनइक्वल फ्लैजिला। ना बेटा ना, मैंने कंप्लीट कैरेक्टर नहीं कहा है, यहां क्या पूछा है, सर्वाधिक लक्षण,
यानी कि ये जो कैरेक्टर्स आपको दे रखे हैं इनमें से मोस्टली कैरेक्टर किससे रिलेटेड हैं, यहां आपको कहा है मैक्सिमम कैरेक्टर, आ रही है बात समझ में? तो ये जो कैरेक्टर हैं इनमें से मैक्सिमम किससे रिलेटेड हैं, तो देखो क्या क्या दे रखा है आपको। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, करो, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल और फिलामेंटस एल्गी है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। यही डिसाइड हो गया था, आगे आपको जाना ही नहीं था। ए एंड सी होता तो क्या हो जाता, फियोफाइसी, ए एंड डी होता तो क्या हो जाता, रोडोफाइसी। तो ये आपके क्या होनी है बेटा, क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो ये हो गया आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ पैक्टोज पियर शेप्ड, ये आपके क्या है, इसका कैरेक्टर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। स्टोरेज बॉडी आपके क्या है, पायरिनॉइड्स है, तो ये किससे रिलेटेड होगा आपके, क्लोरोफाइसी से, ठीक है। जहां पिगमेंट की बात आ गई थी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, सीधा आंसर आपके चला क्या चला गया था, क्लोरोफाइसी। 172 ए प्रीडेटर, यानी कि प्रीडेटर के बारे में पूछ रहा है, इज टू एफिशिएंट टू ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, अपने शिकार का अति दोहन करने में दक्ष होता है ना, ये आपके क्या होता है, प्रीडेटर होता है, यानी कि आपके क्या है, कभी भी ओवर एक्सप्लोइटेशन नहीं करता। क्यों? अगर प्रे स्पीसीज जो है वो नष्ट हो गई तो आपके क्या है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण या फूड की कमी के कारण ये खुद भी आपके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये आपके क्या है, रॉन्ग है। फिर आपके कह रहा है हेल्प इन मेंटेनिंग द ग्लोबल डाइवर्सिटी बाय द इंक्रीजिंग, इंक्रीज नहीं करता बेटा, डिक्रीज करता है, तो ये भी आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एक्स एज कंडीट्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल, पोस स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण संन्याल के रूप में आपके क्या करता है, काम करता है, बिल्कुल सही है। ये आपके क्या है, पोषक स्तरों में आपके क्या है, ऊर्जा का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। सोज प्लस प्लस, प्लस प्लस नहीं है बेटा, प्लस और क्या है, माइनस। तो यहां आंसर जो आपके होगा वो आपके होगा बेटा कौन सा, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये कह रहा है विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन हेली आपके पीसीआर, विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन पीसीआर, पीसीआर में कौन आवश्यक नहीं होता, तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है, टैक डीएनए पॉलीमरेज आप पढ़ते ही हो, टैक डीएनए पॉलीमरेज इसमें काम में आता है, डीएनटीपीज काम में आते हैं, और प्राइमर्स जो है वो भी आपके क्या आते हैं, काम में आते हैं। तो काम में केवल और केवल कौन नहीं आता, हेलिकेज। तो आंसर आपके चला जाएगा क्या बेटा, हेलिकेज। स्टोनी एंडोकार्प फाउंड इन कठोर अंतः फलभित्ति, भाई आप क्या कह रहे थे, एपिकार्प, दूसरा आपके मीजोकार्प, और स्टोनी आपकी होती है कौन, एंडोकार्प, कौन होती है, एंडोकार्प। ये स्टोनी एंडोकार्प जो है वो बेटा आपके किसमें प्रेजेंट रहती है बताओ, ड्रू फ्रूट में, जो आपके पाया जाता है किसमें, मैंगो में, ठीक है। यहां आपको पता ही होगा कैसी, भाई आपके क्या है, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी यहां आपके क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो यहां 174 जो है उसमें आपके आंसर हो जाएगा क्या, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आप चलो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक, भाई यूट्रोफिकेशन जो है वो आपके एजिंग है आपके किसकी, लेक की, बाय बायोलॉजिकल इंक्रीमेंट ऑफ द एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक मे स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड लेक फाइनली कन्वर्टेड इन टू लैंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ स्लेट, ठीक है। ये आपके क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, तो इस नेचुरल प्रोसेस में बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, लेकिन आपके क्या है, ह्यूमन इंटरप्शन हो तो ये क्रिया या एक्टिविटीज जो है या ये यूट्रोफिकेशन जो है वो बहुत तेज हो जाता है, ये फास्ट हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं क्या, एसिलरेट यूट्रोफिकेशन। तो आप कहोगे पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द मेन एक्टिविटीज, लेक इफ्लुएंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड हम्स कैन रेडिकली एसिलरेट द एजिंग प्रोसेस, अबव फिनोमेना इज कॉल्ड, तो इसको अपन क्या कहते हैं, एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो यहां आपके आंसर जो चला जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, त्वरित सुपोषण। उसके बाद में देखो आपको कैरेक्टर दे रखे हैं और आपको कह रखा है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, तो आप कह रहे हो फ्लैट पैसिवली इन वाटर करंट्स, जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से आपके क्या करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। वॉल आर एम्ब्रेड विद सिलिका, सिलिका आते ही आपके क्या हो गए बताओ, डायटम्स, और डायटम्स आपके किसमें होते हैं, क्राइसोफाइट्स में। चीफ प्रोड्यूसर हैं आपके किसके, ऑसियंस के। फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन प्रेजेंट इन फ्रेश एंड मैराइन वाटर बॉथ, तो ये आपके सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके किसमें, डायटम्स और डेस्मिड में दे रखे हैं, और डायटम्स और डेस्मिड को आप इंक्लूड करते हो किसमें, क्राइसोफाइट में। फिर आप कह रहे हो क्या, ये सीधा सा आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राईकार्पिलरी, देखो मोनोकार्पिलरी कंडीशन जो है वो आपके किसमें है, फेबेसी में, पी फैमिली में,
ठीक है, बाई कार्पिलरी कंडीशन जो है वो आपके किसमें है, सोलेनेसी में, और ट्राई कार्पिलरी कंडीशन किसमें है, लिलियसी में। तो ट्राई कार्पिलरी कंडीशन आते ही आप सीधा सीधा आंसर दे दोगे क्या, ट्राई कार्पिलरी सिन कार्पस एंड गाइनोसियम जो है ये आपके, ट्राई कार्पिलरी सिन कार्पस गाइनोसियम जो है वो आपके किसमें मिलता है, लिलियसी में। उसके बाद में फिर आप कहोगे द डेवलपमेंट ऑफ फेलोजन यूजुअली अकर्स बाय, कागजन का विकास सामान्यतः किसके द्वारा होता है। तो देखो एक तो आपकी होती है क्या, वैस्कुलर कैम्बियम, क्या होती है, वैस्कुलर कैम्बियम। ये वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो आपके काय में मेडुलरी रेज जो है, कौन, मेडुलरी रेज जो है उनकी पैरेन्काइमेटस सेल्स में आपके किससे, डी डिफ्रेंशिएशन से क्या होती है, फॉर्म होती है। जबकि फेलोजन, फेलोजन को अपन क्या कहते हैं बोलो, फेलोजन को आप कहते हो क्या, कॉर्क कैम्बियम, क्या बोलते हो, कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम जो है इसका फॉर्मेशन जो होता है वो किसमें होता है, कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं, कौन सी सेल, कॉर्टिकल सेल जो होती हैं इनमें आपके क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन। कॉर्टिकल सेल में डी डिफ्रेंशिएशन जो है इससे आपके फॉर्म होती है कौन, कागजन, यानी कि आपके कौन, फेलोजन, जिसको अपन और क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम। तो यहां क्या जाएगा, कॉर्टिकल सेल्स। इसके बाद में देखो आपको फिनोमिना दे रखे हैं, करेक्टली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले आपके क्या होता है बेटा, गैमिटोजेनेसिस, क्या होता है, गैमिटोजेनेसिस। फिर गैमिटोजेनेसिस में आपके क्या बनता है, पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन फीमेल तक पहुंचता है, इसको अपन कहते हैं क्या, पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद में फिर आपके होता है क्या, फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में आपके क्या होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस, और एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद में आपके सीड फॉर्म हो जाएगा, और फिर सीड का आपके क्या होगा, जर्मिनेशन, ठीक है। तो इट मींस आप क्या कहोगे, सबसे पहले गैमिटोजेनेसिस यानी कि क्या आ जाएगा, सी, फिर आपके क्या है, पॉलिनेशन यानी कि बी, यानी कि सी के बाद आएगा बी, बी के बाद में आपके फर्टिलाइजेशन यानी कि आपके क्या आ जाएगा, ए, यानी कि सी बी ए, फिर आपके आएगा क्या, डी, एम्ब्रायोजेनेसिस, और फिर आपके आ जाएगा ई, यानी कि सीड जर्मिनेशन। तो आंसर आपके चला जाएगा बेटा कौन सा, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आप कह रहे हो बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट विद, अर्धसूत्रण फर्स्ट के युगली आपके बने होते हैं। देखो आपके यहां आपके ये बना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो बाइवेलेंट आप क्या कहते हो, या इसको अपन क्या बोल देते हैं, टेट्राड। इसमें एक क्रोमोसोम आपके मदर साइड से होता है और एक आपके कहां से होता है, फादर साइड से, ठीक है। एक मैटरनल और एक आपके क्या होता है, पैटर्नल। इनमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से आपके क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और आगे इनमें ही आपके क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो ये पूछ रहा है इस बाइवेलेंट में आपके क्या है, फोर तो क्या है बेटा, क्रोमेटिड्स हैं, दो ही क्रोमोसोम है और दो ही क्या है, सेंट्रोमियर। इसमें आप बोलते हो क्या, टू 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 जो है वो तो है क्रोमोसोम, दो ही आपके क्या है, सेंट्रोमियर, फोर आपके क्या है, क्रोमेटेड, और फोर ही आपके क्या है, डीएनए। अब इसमें जो भी मैच कर रहा है मिला लो। ये कह रहा है टू क्रोमेटेड्स, नहीं फोर क्रोमेटेड्स हैं भाई जी। फिर आपके फोर क्रोमेटेड्स हैं, बिल्कुल सही है, एक दो तीन और चार। फिर आप कह रहे हो क्या, टू सेंट्रोमियर्स, वन और टू, ठीक है, फोर क्रोमेटेड्स होंगे और टू आपके क्या होंगे, सेंट्रोमियर्स। फिर देखो नेक्स्ट है आपके मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, स्तंभ वन तथा सेकंड का मिलान कीजिए। सबसे पहला है पीसीआर, पीसीआर अपन करवाते क्यों है, एम्प्लीफिकेशन करने के लिए, किसका, डीएनए का। तो यहां आपके क्या हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि यहां आ जाएगा आपके क्या, सेकंड। फिर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या करते हो, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको साइज के बेसिस पे आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो यहां आपकी हो जाएगा थर्ड। फिर है टैग डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आपके किससे, थर्मस एक्वाटिकस से आपके क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहां आपके आ जाएगा क्या, फोर्थ, ठीक है। फिर है बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर जो है वो 100 से 1000 लीटर का आपके क्या है, कल्चर क्या है, वेसल है। तो यहां आपके हो जाएगा क्या, फर्स्ट। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, आंसर आपके चला जाएगा क्या, फर्स्ट। बेटा नीट में आपके क्वेश्चन ऐसे ही आने, ये कर लिया वो कर लिया, ज्ञान झाड़ दिया, इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया, आना क्या इतना सा। तो अब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, ना कि इधर उधर परेशान होने की, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं।
अब बेटा नया तू कुछ नहीं कर पाएगा, जो तेरे को आता है उसको ही रिवाइज कर सकता है। आ रही है बात समझ में? और नीट का लेवल ऐसा ही रहता है, पिछले साल का पेपर उठा के देख ले तो फालतू ये पढ़ लिया और वो पढ़ लिया और परेशान हो रहा है, रो रहा है, डर है, कोई मतलब नहीं है बेटा उससे, है ना। सीधा एनसीईआरटी बेस्ड रहे, कोई भी दिक्कत है तो डायरेक्ट आप आके बॉस से मिले, है ना। आपका एनर्जी लेवल, आपका मोटिवेशन, आपका जो भी आपके क्या है डीमोटिवेशन आपको आ रही है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रही है, तुरंत बेटा क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? अभी अपन को कॉन्फिडेंस को यहां ले जाना है, ना कि आलतू फालतू चीजें करके और अपने कॉन्फिडेंस को क्या करना है, लो करना है। अपन को सब कुछ आना आता है बस। अब आप ये सोचें कि मेरे को सब कुछ आता है, इस इंडिया में सबसे अच्छा बच्चा मैं ही हूं जिसको पूरा नीट का पेपर आएगा, तब तो तू कर जाएगा, और इस टाइम तू लॉ हुआ तो फिर बेटा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो एकदम सिंपल सिंपल चीजें जो तेरे को आती हैं उनको ही बार बार आप क्या करें, रिवाइज करें, नया बेटा नहीं हो पाएगा, है ना। तो सारी चीजें प्रिपरेशन अपनी बेस्ट है, इससे बार क्या आना है, फिजिक्स इको दे दिया आपने पूरा, डीसीएम दे दिया, उसके बाद दंगल में भी आप आधे दंगल पे पहुंच चुके हो, आधे को भी क्रॉस कर चुके हो, है ना। तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट है बेटा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 182, ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन 1000 बेस पेयर्स इफ इट कंटेन 400 एडेनिन मॉलिक्यूल, ठीक है। 400 आपके क्या है, एडेनिन मॉलिक्यूल। देखो ये आपके कह रहा है 1000 आपके क्या है, बेस पेयर है बेटा, तो इट मीन्स 2000 आपके क्या हो गए, बेस हो गए। यहां पेयर की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इट मीन्स यहां आपके 1000 जो है वो तो आपके क्या होंगे, प्यूरीन, ठीक है, और 1000 ही आपके क्या होंगे, पिरामिडीन, ठीक है। प्यूरीन में कौन आता है, ए और जी, यहां आपके कौन आता है, सी टी और यू, ये आपके किसमें होता नहीं है डीएनए में, तो कौन है, सी और टी। अब देखो अपने आप ले लो, ये आपसे 1000 प्यूरीन होने हैं, तो ये आपको क्या कह रहा है कि यहां 400 आपके क्या है, एडेनिन है, यहां 400 आपके क्या है, एडेनिन है। तो ग्वानिन अपने आप बेटा कितने हो गए, 600 हो गए ना, कहां दिक्कत आई बताओ। अगर आपसे पूछ ले ए के सामने आपके टी है, तो ए आपके इक्वल होगा टी के और जी इक्वल होगा आपके किसके, सी के, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे यहां, 600, ठीक है गोलू, कितने आ जाएंगे, 600, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आपसे वही सीधा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज जो है वो आपके किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके क्या होता है, हेल्पफुल होता है, O2 के लिए आपके क्या होता है, वेरी सेंसिटिव होता है, और ये आपके क्या है, एक MOFE क्या है, प्रोटीन है, सीधी आपके एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, तो ये आपके क्या है, MOFE प्रोटीन। उसके बाद देखो ये आपके सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, एटलस 66 वैरायटी इज स्पेशल फॉर, एटलस 66 किसके लिए आपके विशेष है, तो इसमें हाई कंटेंट होता है आपके किसका, प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन चलें तो फिर आपको दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन, फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड, यानी कि आपके प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश रासायनिक, यानी कि किसके लिए पूछ रहा है बेटा आपको, लाइट रिएक्शन के लिए, कि लाइट रिएक्शन के लिए आपके क्या क्या सही है। तो लाइट ऑब्जेप्शन यहां होगा बिल्कुल, वाटर की स्प्लिटिंग होगी जिससे O2 क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, रिलीज होगी। यहां थर्ड कह रहा है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, हरगिज नहीं होगा बेटा, है ना, ऑक्सीजन यहां क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा ATP एंड NADPH आपके क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो यहां आपके क्या है, थर्ड को छोड़ के सारे आपके क्या है, करेक्ट है, ऑल करेक्ट एक्सेप्ट थर्ड, ठीक है, थर्ड को छोड़ के सारे बेटा आपके क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ, देखो इस बार आपके NTA का आपके क्या है, अलग पैटर्न है, इधर आपको 185 तक पूरा करना है, और यहां आपको चॉइस मिलेगी कितनी, 15 क्वेश्चंस की, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने बेटा केवल और केवल कितने, 10, ठीक है। चलो इस पे चलते हैं अपन, विच इज नॉट प्रेजेंट इन PBR 322, PBR 322, ठीक है। तो आपके क्या है, PBR 322 जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपके क्या है, रोप जीन प्रेजेंट होता है, और आई साइट प्रेजेंट होती है, बेमेज फर्स्ट साइट प्रेजेंट होती है, तो लैग जीन आपके किस में होता है, ऑपेरॉन मॉडल में होता है, ना कि यहां पर, तो यहां आंसर आपके जाएगा 4th। फिर आप कहोगे क्या, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, देखो यहां रॉन्ग मत कर देना, क्या पूछा है, बेसल बॉडी, तो बेसल बॉडी का जो अरेंजमेंट है वो किसकी तरह होता है, सेंट्रियोल की तरह, तो यहां आपके क्या होते हैं, 9 जो है वो तो ट्रिपलेट होते हैं, और सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स कितनी होती हैं, 0, तो यहां आपके क्या आएगा, 9+0, तो आपके आएगा 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स।
नेक्स्ट जो है वो आपके वापस देखो, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त होता है, इनकरेक्ट देखना है इसमें आपको। स्टेटिन्स मोनस्कस परप्यूरियस से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल। सिट्रिक एसिड किससे मिलता था बोलो? सिट्रिक एसिड मिलेगा बेटा जी किससे? एस्परजिलस नाइगर से। किससे? एस्परजिलस नाइगर से। तो ये आपके क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और लैक्टिक एसिड आपके लैक्टोबैसिलस से मिली जाएगा। तो रॉन्ग जो है यहां आपके आंसर जो चला जाएगा आपके क्या है? थर्ड। फिर अगर अपन बात करें तो ये कह रहा है एंजाइम दैट कैटालाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा, इसके अलावा आपके क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन को आपके क्या करेगा? इंड्यूस करेगा। और लीविंग डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एंजाइम जो क्रियाधार के समूह से हटाने को जल अपघटन के अलावा दूसरी क्रियाविधि द्वारा उत्प्रेरित करते हैं और क्या बनाते हैं? द्विबंध बनाते हैं। ऐसे एंजाइम का ग्रुप कहलाता है लायजेज। क्या कहलाता है? लायजेज। इसके बाद में देखो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको केयरफुली आपको रीड आउट करना है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट अबाउट फूड चेन। खाद्य श्रृंखला से संबंधित कितने कथन जो हैं वो असत्य हैं? देखो जीएफसी इज द मेजर कॉन्डक्ट इन एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जलीय परितंत्र में जीएफसी ऊर्जा प्रवाह का मुख्य साधन है, बिल्कुल सही है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन डेट्राइटस फूड चेन इज नॉट डायरेक्ट सन। अप्रदी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत प्रत्यक्ष रूप से सूर्य नहीं है, बिल्कुल सही है। डेट्राइटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड ग्रेजिंग फूड चेन समवेयर। कहीं कहीं पर अप्रदी खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला से संबंधित हो सकती है, बिल्कुल सही है। इन ग्रेजिंग फूड चेन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉमनली डिक्रीज। ना भाई जी, जैसे जैसे आप किसमें ग्रेजिंग फूड चेन में जाते हो इसको अपन क्या कहते हैं? प्रीडेटर फूड चेन। तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इंक्रीज, ना कि डिक्रीज। तो ये आपके क्या हो गया? रॉन्ग। एनर्जी फ्लो इन ग्रेजिंग फूड चेन बाय प्रीडेशन चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह परभक्षण के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। तो ये आपके क्या है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी रॉन्ग है, ई सही है। तो ये पूछ रहा है आपसे क्या? हाउ मनी स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। तो केवल और केवल इनकरेक्ट कितना है? एक। कितना जाएगा? वन। उसके बाद में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, शानदार वाला, ठीक है। आपको कह रहा है ये माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो आते ही आपको पता चल गया किसकी बात चल रही है? मेल की। तो इट मींस ये आपके क्या है बेटा? मेल कौन है, ठीक है। फिर आपके माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया में आपके क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें आपके क्या होगा बेटा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस, जिससे आपके क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। यहां ये कह रहा है आपके क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिएट मेगास्पोरोफिल, और मेगास्पोरोफिल में आपके क्या होगी? मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया को और क्या कह देते हैं अपन? ऑव्यूल। तो यहां आपके क्या होगी? मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम को और क्या कह देते हैं अपन? ऑव्यूल, ठीक है। तो मिला लें आप, सबसे पहले आपके होगा क्या? मेल, दो में दे रखा है, फिर आपके होगा मियोसिस, और उसके बाद में ऑव्यूल। तो आंसर आपके हो जाएगा कौन सा? थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखो, आपको फिगर देखते ही याद आ जाना चाहिए, ये बेटा जी आपके क्या है? पेरेन्काइमा। क्या है ये? पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा आपको कहां मिलेगा ये आपसे पूछा गया। गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स विच वन ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से थे? पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये पूछ रहा है पेरेन्काइमा कहां कहां मिलेगा। तो ये पेरेन्काइमा है एंड प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में कौन होता है? कॉलेन्काइमा, ना कि पेरेन्काइमा। तो ये आपके क्या हो गया? रॉन्ग। कॉलेन्काइमा ये है नहीं, स्क्लेरेन्काइमा भी नहीं है। पेरेन्काइमा एंड प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ डाइकॉट स्टेम। कॉर्टेक्स में आपके कौन होती है? पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है। तो यहां आंसर आपके हो जाएगा बेटा फोर्थ। बोलो सही है क्या? चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही मैच द कॉलम। फिर आपको आपको बताना है क्या? कॉलेजन। तो कॉलेजन आपके क्या है? अगर अपन बात करें तो इनको आपको मैच करना है। चलो मैच करते हैं अपन। ग्लूट फोर जो है वो आपके क्या है? इनेबल्स करता है आपके किसको? ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को। उसके बाद में रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके रिसेप्शन ऑफ स्मेल टेस्ट इसी हो गया, ठीक है। उसके बाद में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो है वो फाइट करेंगी किससे? इन्फेक्शन से। इसके अलावा फिर आपके क्या है? कॉलेजन। तो ये इंटरसेलुलर ग्राउंड क्या है? सबस्टांस। तो मैच कर लो,
एक आपके क्या है आर, तो एक आपके आर इसमें है और आपके इसमें है, फिर बी एंटीबॉडी का आपके क्या है एस, तो आपके आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, तो यहां आंसर आपके आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट जो है वो आपको दिया हुआ है एक गर्डल प्लांट, ठीक है, अप टू बास्ट मे सर्वाइव फॉर सम टाइम बट इट विल बी इवेंचुअली डाई बिकॉज, देखो ये आपके कह रहा है कहां तक किया आपने बास्ट तक, बास्ट यानी कि आपने फ्लोएम जो है उसको आपके क्या कर दिया है रिमूव कर दिया है। अब फ्लोएम रिमूव हो गया, ये आपके क्या थी यहां पत्तियां थी, यहां आपके फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहां से आपने फ्लोएम को क्या कर दिया रिमूव कर दिया, तो वाटर तो आपके ऊपर जा रहा है लेकिन आपके जो फूड मटेरियल है वो आपके कहां नहीं आ पाएगा नीचे नहीं आ पाएगा, जिसके कारण प्लांट की क्या होगी डेथ होगी, तो आप क्या कहोगे वाटर विल नॉट मूव डाउनवर्ड, वाटर डाउनवर्ड जाता ही नहीं है, कहां जाता है अपवर्ड, वाटर विल नॉट मूव अपवर्ड, तो वाटर से आपके कोई लेना देना है ही नहीं। ये कह रहा है सुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स विल नॉट मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो ये आपके क्या है सही है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल और फूड जो है वो कहां नहीं जा पाएंगे नीचे नहीं जा पाएंगे, तो आंसर आपके हो जाएगा क्या थर्ड, शर्करा तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ नीचे की ओर प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन चलें तो ये कह रहा है क्या मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, देखो सेकंड पार्ट मेरे हिसाब से थोड़ा बेटा आपके लेंथ ही होना चाहिए जो आपके टाइम को क्या करेगा कंज्यूम करेगा, इसीलिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि 15 में से आपको कितने करने हैं 10, ठीक है, तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन हो सकते हैं, मैच द कॉलम हो सकते हैं, तो सारी चीजों की आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा दी गई है। फिर आपको दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो आपके क्या है पार्टिकुलेट मैटर को आपके क्या करेगा रिमूव करेगा, तो फर्स्ट का क्या हो गया सी, स्क्रबर आपके क्या है SO2 लाइक गैसेज को रिमूव करता है और कैटेलाइटिक कन्वर्टर जो है वो रिड्यूस करता है ऑटोमोबाइल इमिशन को, तो आपके क्या हो जाएगा बी, यानी कि CAB किसमें दिया हुआ है फोर्थ में, तो आंसर आपके हो जाएगा कौन सा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट अपन चले तो आपके है 196 इस स्टेबल इकोसिस्टम डज नॉट सो, एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र नहीं दर्शाता है, स्टेबल एनुअल नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी दर्शाता है, हाई रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज दर्शाता है, ग्रेजुअल डिक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग आपके नहीं होती, आपके क्या होता है अप्रोक्सीमेट आपके क्या चलता है स्टेबल चलता है, तो ये आपके क्या हो जाएगा रॉन्ग, एफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू हाई बायोडाइवर्सिटी, उच्च जैव विविधता के कारण संसाधनों का दक्ष कार्य आपके क्या होगा उपभोग, तो ये भी आपके क्या है सही है, तो आंसर जो बेटा आपके जाएगा वो आपके जाएगा क्या थर्ड। उसके बाद में फिर आप कहोगे क्या कॉलम आपको मैच करने मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या है विदाउट फर्टिलाइजेशन आपके सीड का फॉर्मेशन होना आपके क्या है एपोमिक्सिस, तो आप क्या कहोगे ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लेकिन है क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका आपके हो जाएगा क्या सेकेंड। फिर है पॉली एम्ब्रायोनी मोर देन वन एम्ब्रायो प्रेजेंट हो और किसमें मिलती है सिट्रस में, तो यहां आपके आ जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। और एपोगेमी फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट हैप्लॉइड जनरेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम सिनर्जिड सेल्स, यानी कि सहायक कोशिका में बिना निषेचन के नई अगुणित पीढ़ी का क्या हो जाएगा निर्माण, इसको अपन कहते हैं क्या एपोगेमी, तो आपके चला जाएगा सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड एंड फोर्थ और उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट, तो आंसर जो जाएगा आपके क्या जाएगा फर्स्ट। इसके बाद में देखो बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है If a recombinant DNA bearing gene for resistance to antibiotic ampicillin is transferred to E. coli cells, the host cell become transformed into the ampicillin resistance on agar plates containing ampicillin only transformants will not grow and the untransformed recipient cell will die. The ampicillin resistant gene in this case is called. भाई आप क्या कहोगे? जैसे ही आप किसी भी आपके काय को एंटर करवाते हो, किसी भी आपको क्या है जैसे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में आपने किसी भी फॉरेन डीएनए को एंटर करवाया, तो उसमें आपके काय के लिए किसी एक जीन के लिए या किसी भी एक एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, इसको अपन आगे जो है यूज में लेते हैं किसको ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आपके क्या करने में आइडेंटिफाइड करने में, तो इनको अपन यहां आइडेंटिफाइड करने में क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, इनको अपन कहते हैं क्या सेलेक्टेबल मार्कर, तो इनको क्या बोला जाएगा सेलेक्टेबल मार्कर। यदि एक पुनर्योगी डीएनए जिसमें एम्पिसिलिन प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोध
उत्पन्न करने वाली जीन्स उपस्थित हैं को इकोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है तो पोषक कोशिका एम्पिसिलिन प्रतिरोधकता के लिए अभिरूपांतरित हो जाती है। एम्पिसिलिन युक्त अगार माध्यम में केवल अभिरूपांतरित कोशिकाएं ही वृद्धि कर पाती हैं तथा अन्य कोशिकाएं जो अभिरूपांतरित नहीं है मृत हो जाती है। तो इसमें आपका एक ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि रूपांतरज और जो रूपांतरण नहीं हुआ है उनको आप क्या कर रहे हो आइडेंटिफाइड कर रहे हो। तो इसको अपन कहते हैं क्या सेलेक्टेबल मार्कर यानी कि वर्ण योगक चिन्हक। ठीक है फर्स्ट आंसर बेटा इसमें चला जाएगा। अब देखो यहां आपको एक डायग्राम दिया गया है किसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो डायग्राम आपको बेटा दिया गया है इसमें आपको इन ए बी सी और डी को आपको क्या करना है आइडेंटिफाइड करना है। यहां फॉरेन डीएनए जो है इसकी आपके क्या हुई है कटिंग हुई है तो कटिंग आपके कौन करेगा बताओ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कौन करेगा। ए जो है यहां बेटा आपके क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इसको भी आपने कट करवाया है तो ये भी आपके क्या है बी जो है वो भी आपके क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब सी में आप देखो सी में आप क्या कर रहे हो ज्वाइन कर रहे हो किसको डीएनए को किससे प्लाज्मिड से तो ज्वाइंट करने का काम जो है वो आपके किसका है बेटा लाइगेज का किसका है लाइगेज का। और डी जो आपके क्या है टेक्निक है इसमें आपके ये क्या बन गया है आरडीएनए और आरडीएनए को आप होस्ट सेल में क्या करवा रहे हो एंटर करवा रहे हो। आरडीएनए को होस्ट सेल में एंटर करवाना क्या कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां आपके क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज तो ये तो आपके क्या हो गया रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए लाइगेज और ट्रांसफॉर्मेशन तो आंसर आपके जाएगा बेटा कौन सा सेकंड। ठीक है नेक्स्ट अपन लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके क्या जो भी आपके क्या है रिलेशनशिप स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का आपके क्या दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपके क्या है जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट आपसे पूछा गया है रिलेशनशिप ऑफ स्पीसीज एंड एरिया दैट वॉज गिवन बाई जर्मन नेचुरलिस्ट Described wise, तो इसको अपन क्या कहते हैं log s बराबर log c प्लस z log a सीधा सीधा आपके क्या है फॉर्मूला है जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को आपके क्या करता है बेटा डेस्क्राइब करता है। तो सीधी सी बात है पेपर भी आपके नीट में ऐसा ही आना है हार्ड पेपर पूरे साल भर आपके कोविड चला है हार्ड पेपर हरगिज नहीं आएगा। इस पेपर में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बेटा वहां भी आपके क्या आएंगे मार्क्स आएंगे। ओके बेटा हारना नहीं है फोड़ के आना है पेपर को अच्छी तरह डीमोटिवेट हरगिज नहीं होना है आपकी तैयारी जो है प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट है। ओके बेटा बेस्ट ऑफ लक गुड लक जय सीएलसी जय जय सीएलसी जय जय सीएलसी थैंक यू।